तो हमें इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, वो नेटवर्किंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर हर आदमी एक दूसरे की कामना करता है कि वो राइज करे, ठीक है, ग्रो करे। कोई भी ये नहीं चाहता है कि यार अगर ये मेरी कंपनी में जुड़ा है तो ये पैसे ना कमाए। आपने कभी सोचा ऐसे किसी के बारे में? आपका चाहे डाउनलाइन हो, चाहे आपका अपलाइन हो, चाहे आपका क्रॉस लाइन हो, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने से आपकी कंपनी में जुड़ा हो, लेकिन आप एक ही बात सोचते हैं उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अगर ये मेहनत कर रहा है तो ये अपने सपने यहाँ से पूरे करेंगे। और कहीं ना कहीं जब वो आदमी अपने सपने पूरे करने में मेहनत करता है तो वो कहीं ना कहीं आपको भी फायदा दे रहा होता है और आपकी कंपनी को भी फायदा दे रहा होता है, ऐसे ही? यस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें। हम लोग ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जहां पर जो चीजें आप देख रहे हैं वो शायद आपको किसी और बिजनेस में कभी मिलेगी ही नहीं। आप शायद दूसरे बिजनेस में पैसा ज्यादा बना जाए, कई लोग जाहिर सी बात है इंडिया में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं तो क्रिकेट के ऊपर सट्टा चलता है खुलेआम, लोग करोड़ों रुपए बनाते हैं, लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट गेन कर पाते हैं? नो। अगर आप बोले कि मैं भूखी हूं तो आपको लोग किस निगाह से देखेंगे? ठीक है ना, भले ही आपने लास्ट नाइट में 100 करोड़ बनाया हो उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे बना रहे हो, उसकी जो सोच है आपको लेके कभी नहीं बदलेगी। ऐसे ही समाज में और बहुत कैरेक्टर हैं जो पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ इज्जत नहीं कमा रहे। लेकिन आप जिस बिजनेस में हैं, यहां पर हमें स्टार्टिंग में बोला गया जब मैंने नेटवर्किंग को शुरू किया कि यहां पर ई फॉर एवरीथिंग, मतलब ई फॉर एवरीथिंग आपको मिलने वाला है और यहां पर हमें मिला भी है। और मुझे लगता है कि आप 120 प्लस लोग बैठे हैं, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि शायद अगर मैं किसी और कारोबार में होता, ठीक है, अगर मेरी ग्रोथ वहां पर हुई होती तो शायद मैंने उतने पैसा ना कमाया होता या उतनी रिस्पेक्ट गेन ना की होती। आज जगतार सिंह नेहाल जी या बलजिंदर सिंह बरनाला जी या एकलव्य जी, ठीक है, हकीम बादशाह जी, ये बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग शहर से आते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से आते हैं, लेकिन अगर ये किसी और बिजनेस में होते तो क्या इनको दूसरी स्टेट का आदमी जानता? No. आज अगर कोई पॉलिटिक्स में भी है ना, अगर कोई सीएम है तो लोग उसको जानते हैं, ठीक है, अगर कोई सीएम से नीचे वाली पोस्ट पे है तो लोग उसको भी नहीं पहचानते दूसरे स्टेट के, पहचानता कोई? आज आपको कोई आके बोले मैं सांसद हूं तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि ये आदमी सांसद है भी या नहीं। मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद एक ही कंट्री के अंदर दूसरी स्टेट का आदमी नहीं जानता। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगर एक दिन में 1000 प्रेजेंटेशन मीथर की हो रही है तो उसमें से 500 प्रेजेंटेशन में आप लोगों के नाम लिए जाते हैं, चाहे वो जगतार जी का नाम हो, चाहे वो बलजिंदर जी का नाम हो, चाहे वो इकलवी जी का नाम हो, चाहे वो हकीम बाश, मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल है, ठीक है ना, जो इनके नाम लिए जा रहे हैं। क्या इनको पता लगा? क्या इन्होंने उसके लिए कोई एफर्ट किया? सिर्फ ये एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बने जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है और लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, ठीक है। यहां पर हम 120 लोग बैठे हैं, हम लोगों की भी जिंदगी बदली है। यार कॉलर माइक देंगे आप भैया? यस सर, ठीक है ना, हम लोगों की भी जिंदगी बदली है। चलो एक क्लैपिंग करते रहो जब तक ये कॉलर माइक लगा, दोनों हाथ चलने लगेंगे। यस, मारना नहीं है मुझे किसी को, बस अपने लिए हाथ चलाने हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें इस बिजनेस ने क्या, मतलब एक कह लो कि अप्रोच दी है। हर आदमी पैसे कमाने के साथ साथ एक ना नेम भी चाहता है और फेम भी चाहता है। अगर आज आपको नेम और फेम चाहिए, या तो आपको कोई बढ़िया एक्टर बनना पड़ेगा, बढ़िया कोई सिंगर बनना पड़ेगा, या बढ़िया कोई टिकटॉकर जिसके मिलियंस फॉलोवर्स हैं, शायद उनको भी लोग इतना नहीं जानेंगे, ठीक है ना, लेकिन कोई बढ़िया सेलिब्रिटी अगर आप बन जाते हैं, आप टॉप मैगजीन जो वर्ल्ड वाइड चलती है उनके पेजेस पे आ जाते हैं, तो आपको वो नेम फेम मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जब सेलिब्रिटी लोग दुबई जाते हैं और जब वो दुबई में जाके मिलते हैं किन लोगों से, जो डायरेक्ट सेलिंग से आते हैं, जो क्रिप्टो से आते हैं,
तो वो उनका लाइफ स्टाइल देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री से वो लोग अवेयर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे मिलते हैं और वो सेलिब्रिटी उनकी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके साथ पार्टी करते हैं, लेकिन वो लोग इंडिया में ऐसा नहीं करते। दुबई में इसलिए करते हैं क्योंकि दुबई में देखने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो देखने वाले हैं वो यहां पर प्रमोट नहीं करेंगे उनको। लेकिन आज एक क्रिप्टो जो होल्डर है या जो एक डायरेक्ट सेलिंग वाला है, वो आज ऐसा मुकाम रखता है कि उसके दोस्त सेलिब्रिटी खुद बन रहे हैं आके, ठीक है ना। ये इस इंडस्ट्री की पावर है। तो यहां पर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, और यहां पर आपके सामने जो चीजें रखी हुई है, कोई आदमी उसको जल्दी पिक कर रहा है, कोई आदमी उसको लेट पिक कर रहा है। हमारे ही बीच में 120 लोग हैं, इस 120 लोग में किसी ने ग्रोथ जल्दी की है, किसी ने ग्रोथ कम की है, और कोई ग्रोथ करने की सोच ही रहा है अभी तक, ठीक है ना। अगर मैं आपसे टाइम पूछूं, आप बोलेंगे मुझे ना कंपनी में काम करते हुए सर 2 साल हो गए, कोई बोलेगा मुझे 2.5 साल हो गए, कोई बोलेगा मैं पहले दिन से मीथर के साथ हूं, यही है। अगर मैं उससे पूछूंगा कि आपकी अचीवमेंट क्या है, तो वो आदमी क्या बोलेगा, मैक्सिमम मैं ना डायरेक्टर बन गया, मैं ना प्रेसिडेंट बन गया। और जब आप इस कंपनी से हटा के उससे बात करते हैं कि वो 10 साल 15 साल 5 साल से नेटवर्किंग कर रहा है, और उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, अभी तक ना मुझे ऐसी कंपनी नहीं मिली जहां मैं काम कर पाऊं, मुझे कंपनी ने टाइम ही नहीं दिया है, मैं काम करता हूं और कंपनी बंद हो जाती है। जैसे ही मेरी स्पीड बन के आती है क्या होता है, कंपनी बंद हो जाती है। जैसे ही मेरा बिजनेस बढ़ता है क्या होता है, कंपनी बंद हो जाती है। अब ये या तो उसका एक्सक्यूज समझेंगे, अब हम जो आदमी यहां पर 2 साल 2.5 साल से काम कर रहा है, और अगर ये उससे पहले ये बातें कर रहा है तो क्या हुआ, अब उसका ये बहाना हो गया, एक्सक्यूज हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि उसके साथ इंसिडेंट नहीं हुए, इंसिडेंट हुए, लेकिन आज जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप खुल के बैटिंग कर सकते हैं, और हम बैटिंग फिर भी नहीं कर रहे, हम फिर भी सोच रहे, तो फिर आप अपने आप को क्या बोलेंगे, अकलमंद बोलेंगे या बेवकूफ बोलेंगे? बेवकूफी बोलेंगे ना हम अपने आप को। हमें मौका मिला है खुल के खेलने का, आपको मौका मिली है कि जिस मौके की आपको तलाश थी पिछले 10 साल से 15 साल से 20 साल से, कि कोई कंपनी ऐसी मिले कि जहां पर मैं खुल के काम कर पाऊं और अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सिलेक्टेड कंपनीज हैं जो इस तरह का चांस, गोल्डन चांस आपको देती है। उस एक गोल्डन चांस देने वाली में एक नाम मीथर का ऐड हो चुका, ठीक है ना। तो अगर 2 साल 2.5 साल मिलने के बाद भी आप लोगों की अचीवमेंट ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब गलती आपसे हुई है, आपने अपने आप को फोकस नहीं किया, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं किया। अभी हम यहां पर 120 लोग बैठे हैं, पूरी कंपनी के अंदर लाखों लोग हैं, लेकिन अगर मुझे प्लान प्रेजेंट करने वाले लोग सिर्फ 1000 लोग आइडेंटिफाई करने हो इंडिया के अंदर, तो मैं अभी 1000 लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं। 1000 लोग अभी प्रेजेंटर नहीं बने, जबकि इस बिजनेस की सबसे पहली जो सीढ़ी है, जो पड़ाव है, वो क्या है कि आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है। जब तक आप एक अच्छा प्रेजेंटर नहीं बनेंगे, आप इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हमें मीथर जैसा प्रोजेक्ट मिला। बिना प्रेजेंटर बने, बिना लीडरशिप क्वालिटी गेन किए, हम यहां पर वो पैसा कमा चुके हैं कि जो आज मैं नहीं कहता इंडिया का, लेकिन वर्ल्ड का हर आदमी उस मंथली इनकम को तरसता है कि इतना पैसा हम कमाएं। अगर हम गोरो की बात करें ना, गोरो के लिए $5,000 और $10,000 महीना कमाना बहुत बड़ी बात होती है। $10,000 और $5,000 कमाना बहुत बड़ी बात होती है। जो आपके नियर डियर कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं भी रह रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं? अगर आप उनकी डॉलर्स की इनकम पूछेंगे तो उनकी डॉलर्स की आमदनी कितनी है? या तो $5,000 है या $10,000 है, मैक्स टू मैक्स $15,000 या $20,000 है। अब यहां पर 120 लोग बैठे हैं, इस 120 लोगों में से कम 100 लोगों की जो इनकम, एवरेज इनकम, वो महीने की $15,000 से $20,000 से ज्यादा है वर्किंग। अगर मैं कॉइन की इनकम जोड़ूंगा तो शायद वो $1,00,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। अब
यहाँ पर अगर देखा जाए, मान लो मैं भी साजवान जी है, गेरा जी है, ठीक है, जाहिर सी बातें हम लोगों को बताते हैं कि हमें कैसे ग्रो करना है, तो हमें इनसे सीखने की जरूरत और हम सीखते भी हैं, तो हम भी इनसे पूछते हैं, आपने देखा मैं भी आपकी तरह दो तीन स्टूडेंट बन के बैठा और मैं आपको भी कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं, शायद मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने से जो आप गलती कर रहे हैं उस गलती को करने से आप बचे, जो आप कमी की वजह से बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे, आपके माइंड में कुछ ऐसा है जो शायद अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, वाई वो आपकी क्लियर हो, ठीक है, मैं आपके साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं, ठीक है ना, और कंपनी को मैं किस नजरिए से देखता हूं, और जितना मैंने मिथर को समझा है टेक्निकली मिथर कितनी स्ट्रॉन्ग है, आज मुझे नहीं पता आप लोग कितने क्रिप्टो की न्यूज देखते हैं, कितना क्रिप्टो को समझते हैं, लेकिन आज अभी तक हम लोगों को यह पता है कि क्रिप्टो में एक कॉइन बनता है, कॉइन लिस्ट होता है और बिकता है, अगर आपने सस्ते में खरीद लिया तो आप पैसा कमा जाते हैं, हम सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री को इतना जानते हैं, इतना ही जानते हैं, yes. 120 लोग वेब 3 की बात करते हैं कि हम वेब 3 प्लेट उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, वेब 3 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, क्या आप में से किसी ने वेब 3 को पढ़ा है, वेब 3 क्या है, आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, अमृतपाल जी ने चलो पढ़ लिया, ठीक है, हमारे पीछे दो तीन लोग और बैठे हैं, लेकिन 120 चेहरे ये कौन से चेहरे हैं जो आप अपने आप में लोगों के लिए रोल मॉडल है या नहीं, yes. लोग हजारों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ बिजनेस में जुड़े हैं, उन्हें उम्मीद है आपसे कि जिस तरीके से आप कामयाब हुए हैं आप उनको भी कामयाब करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे तो क्या आप उनकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, नो आपको लग रहा है कि आज जैसे जगतार जिन्हें 25 करोड़ 50 करोड़ बना लिया, अगर ये अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे और जो इन्होंने नॉलेज गेन की है उसको स्प्रेड नहीं करेंगे तो क्या इनकी टीम में लोग 50 करोड़ कमाने वाले पैदा होंगे, कभी नहीं हो पाएंगे, इनको वो काम करना पड़ेगा और स्लो स्पीड से नहीं करना पड़ेगा, अगर इनको यहां पहुंचने में लगे हैं 20 महीने तो इनको स्पीड ऐसी दिखानी है कि इनकी टीम में ये एग्जाम्पल 10 महीने में सेट हो जाए कि इनकी टीम में एक आदमी ने 10 महीने में 50 करोड़ बनाया, ठीक है, तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा जब ये अपनी नॉलेज को इनहांस करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि बिना रीडर के आप लीडर नहीं बन सकते, जब तक आप एक अच्छे रीडर नहीं बनेंगे, रीडर मींस पढ़ने वाले, ठीक है, अब वो बुक पढ़ना हो सकता है, वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ब्लॉग पढ़ना हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्टेंट जो आपके लीडरशिप में इंप्रूवमेंट ला सकता है वो हो सकता है, ठीक है, YouTube के ऊपर आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टोनी रॉबिन्सन, ठीक है, और अब से नहीं मुझे लगता है तकरीबन उनको 30 साल हो गए हैं लोगों को एजुकेट करते हुए, उस आदमी की अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो पेपर के ऊपर भी समझा रहा है, ठीक है, और आज करंट का स्टेटस देखेंगे तो अगर आज मीटिंग का पार्ट आपको बनना है तो लाखों डॉलर आपको खर्च करने पड़ते हैं उस आदमी की मीटिंग का पार्ट बनने के लिए, ठीक है, अब उस आदमी ने क्या किया जो 30 साल पहले उसके पास नॉलेज थी वो रेगुलर अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा, बढ़ाने से क्या हुआ आज उसकी वैल्यू भी बढ़ गई और जितने लोग आज उसकी मीटिंग का पार्ट बनते हैं उनकी भी वैल्यू एडिड हो जाता है, उनकी जो पर्सनैलिटी है या जो भी उनकी बिजनेस है उसमें उनको ग्रोथ मिलती है। लेकिन क्या आज हम में से जो 120 लोग यहां बैठे हैं हम में से कोई आदमी ऐसा काम कर रहा है, क्या आपको डेली ऐसा महसूस होता है कि आपकी नॉलेज में या आपकी पर्सनैलिटी में आज 1% की ग्रोथ हुई है, कर रहा कोई ऐसा काम, एक गुरप्रीत जी है इनको मैं मान सकता हूं क्योंकि गुरप्रीत जी को मैं 2 साल से जानता हूं और 2 साल पहले जैसे भाई यूपी से लोग आए हैं बिहार से लोग आए हैं, ठीक है, हर जगह से जो जट मतलब पंजाब में जट बोलते हैं यूपी में जाट बोलते हैं ये लोग जाने जाते हैं अपनी लैंड के लिए और अपनी खेती बाड़ी के लिए, ठीक है, और चिल लाइफ जीते हैं उन्हें ज्यादा मतलब नहीं होता, तो गुरप्रीत जी भी एक जाट फैमिली से आते हैं लेकिन जब वो इस बिजनेस में आए तो उन्होंने अपने आप को ना सरेंडर कर दिया समर्पित कर दिया कि अगर मुझे अपने आप को बढ़ाना है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा, इनको मैंने जिस जिस चीज के बारे में बताया जो मुझे लगा सर
इनको मैं बोल सकता हूं कि इन्होंने उस पे 100% नहीं 200% काम किया। आज शायद हम में से इतनी बड़ी इनकम गुरदेव जी नहीं ले पाए हैं जितनी बड़ी इनकम आप में से कुछ लोग ले पाए, लेकिन अगर आज आप उनके ऑफिस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं, उनकी नॉलेज को देखते हैं, तो शायद आप में से कहीं ज्यादा उनके पास वो आज हम कह लो कि लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट आया है, उनकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट आया है और उनके काम करने के तरीके में भी इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, ये गुरुपेज जी ने चेंज किया कब, जब उन्होंने सोचा। जब तक आप लोग नहीं सोचेंगे तो आपके अंदर भी कभी कोई चेंज नहीं आ सकता, काम करना पड़ेगा। आज जगतार सिंह नेहाल जी, बलजिंदर जी बैठे हैं यहां पे जी, कहां पर है, ठीक है, अब बलजिंदर सिंह बरनाला जी हैं। बलजिंदर सिंह बरनाला जी की ही टीम में यहां पर दो तीन लाइनें हैं फ्रंट लाइन, जैसे जगतार सिंह नेहाल जी हैं, बलविंदर संधू जी हैं। बलविंदर संधू जी इस इंडस्ट्री को मुझे लगता है 30 साल से इस इंडस्ट्री का प्रोसेस बने हुए हैं और सीख रहे हैं। लेकिन जो नॉलेज इन्होंने इकट्ठा की वो सबसे ज्यादा इन्होंने इंप्लीमेंट कहां किया है, मीटर में किया। आज आपको पता है बलविंदर संधू जी, सर क्लैपिंग में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने पॉइंट्स को सुनना है और कोई बात ज्यादा अच्छी लगे तो मैं भी नहीं रोक सकता आपको बजाने से, ठीक है ना। तो बलविंदर संधू जी अब क्या काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग के बेसिक क्या है, कौन आदमी 10 साल से नेटवर्किंग कर रहा है आप में से, 10 साल वाले कितने लोग हैं हाथ खड़ा करें, 10 साल वाले, सर यू क्यों कर रखा है, ठीक है, फन नहीं बनाना है सर, हाथ खड़ा करना है, 10 साल वाले आप हो गए। अच्छा 15 साल से कौन लोग वाले हैं हाथ खड़ा रखे, 10 साल वाले भी, 15 साल वाले, ठीक है जी, और 20 साल वाले है कोई, 20 साल में कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ, कोई है, अच्छा दाऊ जी भाई है। अच्छा मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर हमारे बलविंदर संधू जी का है। अच्छा कासिम साहब मैं पूछना चाहूंगा, आप खड़े हुए, नेटवर्किंग के बेसिक क्या, अगर आज मुझे नेटवर्किंग बिजनेस में आना है तो मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। सर माइक देना इनको प्लीज, अभी हम कासिम साहब से ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं एक नया आदमी हूं, ठीक है, मुझे ये अप्रोच करते हैं अपनी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए और मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो मुझे किन कामों को करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे किन नेटवर्किंग के बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सर हमारा जो प्रोजेक्ट है हमें उसको बहुत अच्छे से समझना होगा और अपना जो प्रोजेक्ट है वो सामने वाले के सामने वो क्या चाहता है उसको, और वो प्रोजेक्ट जो है अपना उसको डीपली जो है समझाना, जिस चीज की हमें नॉलेज देनी है उसको, तो उसके बारे में जो है उसको समझाना, बस इतना ही काम करना होगा मुझे। चलिए देखिए इसमें ऐसा है, अभी कासिम साहब ने बताया कि अगर आप नेटवर्किंग में, इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल वाले बोल रहे हैं कि अगर आपको नेटवर्किंग में कामयाब होना है तो आपको अपना प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा और सही तरीके से समझाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 120 लोग यहां बैठे हैं, समझने और समझाने का काम तो आप सभी करते हैं, लेकिन मेरी नजरों में ना तो आप समझने की कोशिश करते हैं और ना ही आप समझाते हैं। आप बताओ क्या करते हैं आप, उस पे पहले तो मारते हैं उसको बुलेट के बाद निकालते हैं गोला, गोले के बाद निकालते हैं और उससे बड़ा बम, फिर तोप से भी गोला मारते हैं, कहीं ना किसी से तो मरेगा, ठीक है ना। अब ये कैसे गोले हैं, बुलेट क्या है, सबसे पहले आप उसको बताते हैं, आपको पता है मैं इस कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहा हूं, मैं इतने कमा चुका हूं। अच्छा छोड़ो, बंदा जब उसे लगता है कि सामने वाले ने कोई हरकत नहीं की है जानने के बाद, फिर वो उसको बताता है, ठीक है मेरे पास ये गाड़ी है, मेरी टीम में इतनी गाड़ी है, आपको पता है हमने ये कर दिया। अच्छा उससे भी वो कन्विंस नहीं होता है, फिर वो क्या बोलता है, अच्छा इधर आओ मैं आपको आईडी दिखाता हूं अपनी खोल के, ये टोटल इनकम देखो मेरी कितनी है, ठीक है। अब टोटल इनकम के बाद भी अगर वो नहीं मानता है, अच्छा आपको पता है मैंने कॉइन कितने में बाय किया था, आज कितने में, आज देखो मेरे कॉइन की कीमत कैलकुलेट करो कितनी बनती है। अच्छा अगर उससे भी नहीं होता है
फिर उसको बताते हैं अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इतना लगाना और इतना कमा के ये कैलकुलेशन है, इतने में कॉइन मिल रहा है, एक छह महीने में आपका पैसा चार गुना हो जाएगा। आप ये सारे प्रोसेस हम लोग करते हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही करते हैं सभी। अब आप मुझे बताइए, जो कासिम साहब ने कहा कि आपको प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, इन सारी बातों में आपने क्या प्रोजेक्ट को समझाया? आपने क्या समझाया? आपने जो आप समझते हैं ना, आपने वो समझाने की कोशिश की है, आपने इस सारी बात में प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश ही नहीं की। तो हम लोग इतना कुछ होने के बाद भी गलती क्या कर रहे हैं? हमारे पास ना एक तो नॉलेज की लैकिंग है, ठीक है। आज जब आपसे बोला जाता है खड़े होके कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप सुनते हैं कि अच्छा ये करना है, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद आपको वो चीज याद ही नहीं रहती है कि आपको करना भी क्या है। इसीलिए आप लोगों का वर्किंग स्टाइल कभी नहीं बदलेगा। आज आप देखिए, मैं आज मीथर के अंदर एज ए क्राउन एम्बेसडर हूं, ठीक है, मेरे पास जैसी मेरी इनकम भी ज्यादा है, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मुझे प्लान देते हुए जरूर देखा होगा। देखा है? जब मैं प्लान करता हूं तो जो काम आप करते हैं क्या उनमें से मैं कोई काम करता हूं सामने वाले यूजर के लिए? मैं उसको क्या प्रेजेंट करता हूं? मैं उसको प्रोजेक्ट के बारे में समझाता हूं कि व्हाट इज मीथर और मीथर का इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को समझाता हूं कि टेक्निकली हमारी कंपनी कैसे स्ट्रांग है, टेक्निकली हमारी कंपनी कैसे रेवेन्यू गेन करेगी, ठीक है, हमारी कंपनी की बैकबोन कैसे है। अब जब वो ओवरऑल मेरे से प्रेजेंटेशन सुनता है तो उसको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, अपना वो फैसला ले सकता है कि मुझे कितने से स्टार्ट करना है। लेकिन अब आप सामने वाले का क्या करते हैं, आप लोग आप ना उसका फैसला खुद लेते हैं। आप क्या बोलते हैं, सारे कुछ बताने के बाद आप बोलते हैं अच्छा मैं बताऊं आपको क्या करना चाहिए, ऐसे ही होता है ना, जब मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए, आप उसके ऊपर छोड़ते ही नहीं है कि उसको क्या फैसला लेना है। आप उसको बताते हैं कि आपने ये वाला पैकेज लो और आपका ऐसा हो जाएगा। अब आपने उसके साथ ये पूरी कन्वर्सेशन में उसको क्या फोकस किया है, बाद में आके उसको पैकेज के ऊपर कन्विंस करके उसको पैकेज का बेनिफिट बना के आपने छोड़ दिया। अब क्या वो आदमी आपके इस कम्युनिटी का डेडिकेटेड पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। वो सिर्फ वेट करेगा, होल्ड करेगा, कितने महीने, जितने महीने आपने बताया होगा, छह महीने, कि छह महीने में आप चार गुना पैसा निकाल लोगे, पांच गुना पैसा निकाल लोगे, ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको फोन करेगा, भाई साहब कितने डॉलर का रेट हो गया, मेरा ना पैसा निकलवा दो आप। और आप उसको बोलोगे अच्छा ऐसा है, यहां इस एक्सचेंज पे जाओ, एड्रेस क्रिएट करो, विड्रॉल ले लो और बेच लो, बस। अब आप मुझे बताइए आपका नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? अब आप उसको बोलते हो कि भाई तुम चार गुना पैसा ले चुके हैं, अगर आप उसके बाद दोबारा जाएंगे ना कि यार अब तो ये प्रॉफिट ले चुका है, ऐसा होता हो रहा है, जो लोग आपकी कंपनी से दो गुना चार गुना पैसा निकाल चुके हैं, हम उन लोगों के पास भी जा रहे हैं ना, उनसे बड़े अकाउंट लेने के लिए, कि आपने 5 लाख लगाया था, आपने 10 लाख रुपए निकाल लिया, तो अब आप ऐसा करो $27,000 वाला पैकेज लो, $54,000 वाला पैकेज लो। आप उस शख्स को फिर उस प्रोसेस में डाल रहे हैं, लेकिन आप क्या उसको कन्विंस कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, क्या आप उसको प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि एफिलिएशन प्रोग्राम मीथर का कितना जबरदस्त है, कि यहां से कितने बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? आप उसको ये चीज नहीं बता रहे, आप सिर्फ उसको एक इन्वेस्टर बना के छोड़ रहे हैं, और हमारे प्लान के अंदर इन्वेस्टर प्रोसेस नहीं है, है? नहीं। आप मुझे बताइए क्या मीथर आपसे इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है? नो। आप 120 लोग बैठे हैं, 120 में से क्या किसी ने मीथर को पैसा दिया? बताइए किसी ने दिया? एक भी शख्स आप में से ऐसा नहीं होगा जिसने मीथर को पे किया हो, ठीक है। और हम ये आपको बार बार इस मैकेनिज्म को समझाते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी द्वारा चलाया जा रहा है, कम्युनिटी द्वारा। अब उस कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आज आप कॉइन खरीद रहे हैं तो कोई आदमी उसी कम्युनिटी का पार्ट जो है वो बेच रहा है, ठीक है।
आज चाहे 1 लाख कॉइन बिक रहे हैं, 10 लाख कॉइन बिक रहे हैं, 50 लाख कॉइन बिक रहे हैं, लेकिन उनको पहले किसी ने खरीदा है किसी से और फिर वो बेचने आ रहा है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये क्रिप्टो के अंदर हमेशा चलने वाला है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम या और नए कॉइन्स को बहुत सस्ते रेट में देखा है। किसी ने $100 में भी बिटकॉइन को लिया है, $200 में भी बिटकॉइन को लिया है, और आज वो क्या कर रहा है, उसको ज्यादा रेट में बेच भी रहा है। एक टाइम पे बोला जाता था कि आप इतने बिटकॉइन से फॉर्च्यूनर लेके आ सकते हैं, ठीक है। एक वक्त में उससे पहले बोला जाता था कि आप मारुति खरीदेंगे, आप बाइक खरीदेंगे, और एक शख्स ऐसा भी था जिसने 10,000 बिटकॉइन से एक पिज्जा भी लिया था जी, ठीक है। उसका पेट आज तक ही खराब होगा, पेट कभी सही नहीं हुआ होगा उसका, ठीक है, उसका स्टमक खराब ही रहने वाला है क्योंकि 10,000 बिटकॉइन का पिज्जा खाया है, तो कैसे पेट ठीक हो सकता है। तो ऐसे ही हम में से कुछ लोग हैं जिनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। कब कब हो जाता है? जब ये पता लगता है कि जो कॉइन मैंने 50,000 कॉइन अभी मैंने 20 रुपए या 30 रुपए में बेचे थे 6 महीने साल पहले, आज उसकी क्या कीमत है, कि वो कॉइन 150 रुपए का हो चुका है। तो जो पैसा उसने कॉइन बेच के कहीं ना कहीं तो डाला होगा। आप लीडर्स हैं, आपने कॉइन बेच के क्या किया उस पैसे का, क्या किया? अगर आपने किसी की आईडी भी लगाई है, बेचा नहीं है एक्सचेंज पे, लेकिन उस पैसे का आपने क्या किया बताइए मुझे, सर कितना पैकेज है आपका, कौन से इन्वेस्टमेंट वाले हैं, कितना पैकेज है आपका? चलिए बैठिए, मैं आपको बताता हूं अब हम लोग गलती क्या करते हैं। दरअसल ना गलती क्या करते हैं, वो गलती मैं बिल्कुल नहीं करता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरे सारे एक्सचेंज के अकाउंट खोल के देखेंगे और मेरा मीथर का अकाउंट भी खोल के देखेंगे, तो जो भी मैंने विड्रॉल लगाई होगी वो टेस्टिंग पर्पज से लगाई होगी, ठीक है। अगर टेस्टिंग पर्पज से लगाई है, जो मैंने विड्रॉल ली है मेरे वॉलेट में ऐसी ही पड़ी होगी। मेरे जितने भी एक्सचेंज के अकाउंट है, किसी भी अकाउंट के अंदर कोई सेलिंग ऑर्डर नहीं लगा। क्या नहीं लगा है? सेल ऑर्डर नहीं लगा है, सिर्फ बाइंग ऑर्डर लगे हैं, और मैंने कोई 1,000 या 2,000 कॉइन नहीं बाय किए, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने कॉइन बाय किए हैं। बहुत इंसिस्ट करने के बाद जो स्पार्टन्स का ग्रुप है उसमें से 2-3 महीने में जब वो सो जाते हैं बिल्कुल, तो जबरदस्ती जगाना पड़ता है, भाई बाय करो बाय करो। उसमें भी शायद कई लोगों को बिल्कुल बुरा लगता होगा, यार ये क्या धक्का मुक्की है कि जबरदस्ती कॉइन बाय करवा रहे। लेकिन जिन लोगों ने इस जबरदस्ती को जबरदस्ती समझ के कॉइन बाय किए, हमारे बीच में जीवन गर्ग जी बैठे हैं, जगतार जी बैठे हैं, इनको मैंने बोला भाई 20 लाख के कॉइन उठा लो अर्थबीर से, जब रेट होता था 25 रुपए, 18 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। अब उस धक्का मुक्की की वजह से अगर इन्होंने 20 लाख रुपए के 20 रुपए पे कॉइन उठाए, और आज क्या रेट है, 150 रुपए, तो कितने गुना हो गया, 7 गुना पैसा हो गया, 2,7,1,40,00,000। अब जो आप लीडर्स अपने कॉइन को MUSD बना के पैकेज लगा रहे हैं, अब कोई आदमी क्या कर रहा है, उस पैसे को कहां डाल रहा है, बीवी को गोल्ड दिलवा रहा है, पहले तो बीवी को खुश करना है, उसके बाद आप रिश्तेदारों को खुश कर रहे हैं पैसा बांट के, ताकि रिश्तेदारों को पता लगे कि आपके पास पैसा आ चुका है। तीसरा काम आप क्या कर रहे हैं, इलाके वालों को पता लगे कि पैसा आ चुका है, तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी बाय कर रहे हैं जिससे आप लाइमलाइट में आए, ठीक है, यही काम हो रहा है। उसके बाद अब आपके यारों दोस्तों को भी पता लगे, तो आप क्या कर रहे हैं, अगर गाड़ी की जरूरत है 50 लाख की, तो आप खरीद रहे हैं 1 करोड़ की गाड़ी, ठीक है। आप उसको बिजनेस में नहीं दिखा रहे, आप बिजनेस में आपने एक दिन भी प्रमोट नहीं की, वो आपने गाड़ी किस लिए ली है, सिर्फ यारों दोस्तों को दिखाने के लिए। अब इन चारों पांचों प्रोसेस में इसके अलावा और भी प्रोसेस होंगे, किसी की बीवी के साथ गर्लफ्रेंड भी होती है, और किसी की शादी भी नहीं होती तो वो गर्लफ्रेंड को खुश करने में लगा रहता है, क्योंकि वो उसके लिए मुमताज है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, मैं कुछ तो बना दूं कम से कम, ये तो खुश हो जाए, ऐसे ही है ना। अब इन सारे प्रोसेस में आप मुझे लीडर्स बताइए, एक शख्स जिसने 20 रुपए में कॉइन बाय किया, और एक शख्स जो प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहा है, ठीक है, जो ज्वेलरी में पैसा डाल रहा है, ठीक है, जो अपने मतलब
अनवांटेड जो रिश्तेदार है, जो उनको पता लगा कि आपके पास पैसा आया तो कॉल तो आएगी मांगने की, ठीक है, वो आपको आपसे पैसा मांग रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, तो क्या उस पैसे में कोई ग्रोथ है आपके पास? नो। रिश्तेदार वाला पैसा कभी वापस नहीं आएगा, नहीं। काटा मार दो, आएगा ही नहीं कभी। या तो रिश्तेदारी खत्म करोगे, ठीक है, खत्म करने के बाद भी पैसा नहीं आएगा, वो सोचेगा खत्म होंगे क्यों पैसा देना, बना के रखोगे तो शायद वो देगी दे। तो पहला पार्ट कि अगर रिश्तेदारों के पास पैसा गया होगा तो पैसा आपको मिलना ही नहीं। दूसरा, जिस घर में आप रह रहे हैं, ठीक है, वो घर आपका 200 गज का हो, 300 गज का हो, 500 गज का हो या 100 गज का हो, अगर उस घर में पैसा लगाने के बाद अगर आप किसी और घर को बाय कर रहे हैं और उस घर को खड़ा कर रहे हैं, तो घर तो एक ही है जिसमें आप रह सकते हैं जी। अब वो दूसरा घर आपने बना दिया तो फाइनली बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको रेंट पे देंगे या खाली छोड़ देंगे? आप सोचेंगे यार 30,000 रुपए के लिए मुझे 5 करोड़ की कोठी क्यों देनी किसी को किराए पे? लेकिन वो जो 5 करोड़ पे आपने दूसरी कोठी में लगाया, क्या वो आपको ग्रोथ देगा? नो। वो सिर्फ आपका एक टेंजिबल एसेट बन गया। आप लोगों को बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, वेब 3 की, तो क्या वहां पर इस फील्ड में आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स टेंजिबल एसेट की बात होने वाली है? नो। कोई बात नहीं करे, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एसेट बेसिकली आजकल है क्या जो आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। आज हम बच्चे को बढ़ाते, जब पैदा करते हैं, पैदा होने के बाद उसको पाल पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमारा हर बच्चे के साथ एक सपना बनता है कि अपने बच्चे को एडवोकेट बनाना है, ठीक है, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, बढ़िया प्रोफेशन में डालना है जिससे हमारा लाइफ स्टाइल ही बच्चा मेंटेन करे। 20 साल एफर्ट करने के बाद, पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपकी उम्मीदें वहां भी टूटती है, तो क्या दूसरे बच्चे पर ध्यान देना बंद कर देते हैं? उस प्रोसेस को आप दूसरे बच्चे के साथ भी करते हैं, फिर तीसरे के साथ भी करते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके 2 से ज्यादा है, ठीक है, फिर चौथे के साथ भी करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी के 5 बच्चे भी है, वो 5ों के साथ सेम बिहेवियर करता है, लेकिन वो फिर भी नाउम्मीद नहीं होता, ठीक है ना, फिर वो खुद मेहनत करता है कि यार चलो बच्चों ने नहीं किया, मैं तो मेहनत कर सकता हूं। तो आपने बहुत ऐसे एजेड लोग देखे होंगे जो 50 साल 60 साल 70 साल में भी सुपर एक्टिव है। उनके सुपर एक्टिव होने की वजह क्या है? क्योंकि वो खुद से मायूस नहीं हुए थे। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हम लोगों के पास पैसा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब मीटर की वजह से पैसा हमारे पास ज्यादा आया, तो हम पैसे का क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मिसयूज। पैसा आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको बोलूं 120 लोगों को अभी ना सभी ने 1,00,000 रुपए का कॉइन बाय करना है, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि यार कॉइन क्यों बाय करना, कॉइन ही बाय करना मुझे, ठीक है, मतलब आपको ना इरिटेशन सी लगेगी, आप ना सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगेगी अभी अगर मैं बोलता हूं कि कॉइन बाय करने। अभी कोई आपकी साली फोन कर दे, जीजा जी 5 लाख की ना जरूरत है, अच्छा बस अकाउंट भेजो, शाम तक पेमेंट करवा दो। अब उससे यह भी नहीं पूछा होगा अपने साली से कि पैसे कब देगी वापस, ठीक है। आप एक सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए कि मेरी साली ने मेरे से पैसे मांगे और मैंने उसको दे दिए, सिर्फ उस थोड़े से वक्त एप्रिसिएशन के लिए वो 2-4 बार थैंक यू बोल देगी, आप वह 5 लाख रुपए गड्ढे में डालने के लिए तैयार। लेकिन जिसको हम दिन रात चिल्ला रहे हैं एम कॉइन फ्यूचर, बच्चे भी कह रहे हैं, छोटे बच्चे भी एम कॉइन फ्यूचर, और आप क्या कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर कहीं और समझ रहे हैं। आपकी जो वर्डिंग है वो आपकी एक्टिविटी से मैच ही नहीं कर रही, कर रही है मैच? No. आप मुझे बताइए 120 लोगों में से अगर 1 करोड़ रुपए किसी ने कमाया है तो क्या किसी ने 50 लाख रुपए के कॉइन बाय किए हैं? कोई दिखा सकता है कि मैंने बाय किए 50 लाख के कॉइन? आईडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईडी लगा दी सर, मैं बाइंग दिखाऊंगा सर, मैं 1-2 के केसेस छोड़ के बात कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मेजोरिटी, ठीक है, 2-3 चेहरों को तो मैं जानता हूं वो क्या करते हैं, लेकिन हम 120 लोग बैठे हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कम्युनिटी का। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या हमने अपनी इनकम का 50% एमकॉइन की बाइंग में डाला है, तो रिजल्ट निकल के आएगा 0। क्या निकल के आएगा? 0। हमने अपना पैसा कहां डाला? पैसा जरूर कमाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक में पैसा है,
एक करोड़ कमाने के बाद आपका बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए भी नहीं। अगर एम कॉइन बाय नहीं किया तो कम से कम अकाउंट में तो पैसा होना चाहिए। क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि आपने पैसा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मैं ये आपको बता रहा हूं जो हमारे लोग करते हैं नेटवर्किंग में पैसा कमाने के बाद। आपको किस जगह पैसा डालना चाहिए और आप कहीं नहीं डालते। अभी अभी अभिषेक जी और मैं ना कल हम जा रहे थे चंडीगढ़, किसी काम से गए, ठीक है, फिर हम वापिस आ गए तो मैंने एक दोस्त को फोन लगा लिया। मैं कह रहा यार, ये कहने लगे ऐसे से ना चंडीगढ़ में इस कोठी का ये रेट है। मैं कह यार इतना हो ही नहीं सकता। तो मैंने फोन लगाया तो आपको पता है जो 500 गज का घर है चंडीगढ़ के अंदर उसका रेट क्या है? 25 करोड़ रुपए। कितना है? 25 करोड़ रुपए, ठीक है, 25 करोड़ रुपए रेट हो चुका है जिस बंदे ने 500 गज का घर चंडीगढ़ में लेना। और शायद लखनऊ में वही घर 1 करोड़ में आ जाए, 2 करोड़ में आ जाए, और मुरादाबाद संभल चलेंगे तो शायद 50 लाख में बन जाए, ठीक है, एकलव्य जी की तरफ जाएंगे तो शायद 75 लाख 1 करोड़ में बन जाए, ठीक है ना। तो हर जगह क्या हो रहा है, हम पैसा तो डाल रहे हैं लेकिन पैसे की ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही जितनी हमारी होनी चाहिए। हम लोग बहुत गलती कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अभिषेक जी ने मुझे कहा कि ताहिर जी आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करते प्रॉपर्टी के अंदर, मुझे नहीं लगता आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। मगर सही कह रहा हूं, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं अपना पैसा सिर्फ एक जगह रखता हूं। किस चीज में? क्रिप्टो में, क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। उस क्रिप्टो के अंदर भी मेरी 80% होल्डिंग आज किस में है? एम कॉइन। क्या बात है, ठीक है, एम कॉइन के अंदर। मैंने इनको एग्जांपल दिया कि आज अगर मैं एक कनाल का घर खरीदता हूं, फॉर एग्जांपल किसी मोहाली में जाके खरीदता हूं 10 करोड़ रुपए का। अब 10 करोड़ रुपए का मैंने घर लिया आज, और एक साल के बाद बुलरन आ गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एम कॉइन की एक्सपेक्टेड प्राइस है कि $10 तो मिनिमम हम मान के चल ही रहे। तो आज अगर मैं एम कॉइन को कन्वर्ट करता हूं फिएट करेंसी के अंदर, ठीक है, और वो $10 हो जाता है, तो जो मैं आज 10 करोड़ का घर ले रहा हूं, क्या वो एक साल में 20 का हो सकता है? नो, नहीं हो सकता, ठीक है। और ये हो सकता है कि वो 8 का रह जाए अगर कोई रिसेशन आ जाए या कुछ आ जाए तो। लेकिन जिस कम्युनिटी का मैं पार्ट बना हूं, मुझे पता है इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं अपना पैसा एमकॉइन से तो बिल्कुल नहीं निकालने वाला। उल्टा जो मैं कमाता हूं वो पैसा भी मैं एमकॉइन में ही डालता हूं। तो आज अगर मैं अपनी ग्रोथ देखूं एक साल के बाद की, जो मैं 10 करोड़ रुपए आज प्रॉपर्टी में डालने वाला हूं, मेरा वो 10 करोड़ कितना होने वाला है? 50 करोड़ मिनिमम बता रहा हूं $10 के रेट पे। लेकिन जब बुलरन आता है तो बुलरन में कोई मान ही नहीं सकता कि प्राइस कहां चला जाए। ये $100 भी हो सकता है, ये $150 भी होता है। ये ना एक फेस्टिवल की तरह, बुलरन क्या है? एक फेस्टिवल की तरह है। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पे बेचारा कोई लेबर क्लास भी होगा ना, वो भी नए कपड़े खरीदेगा, वो भी शॉपिंग करेगा, वो भी अपने घर को जैसी बात है मॉडिफाई करेगा, कुछ ना करेगा ना। तो क्या होता है मार्केट में ना मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, सबके कारोबार चलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ जाती है। ऐसे ही जब बुल रन आता है क्रिप्टो का, तो बुल रन के अंदर जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा ना मैं क्रिप्टो बाय करूंगा, वो भी बाय करता है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा आदमी क्या बोल रहा है, मैंने क्रिप्टो में 10,000 लगाए थे, कल मेरे आज हो गए 20,000, ठीक है। कोई कह रहा है मैंने लगाए थे 20,000, मेरे हो गए 1 लाख। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल। चाय चाय नुक्कड़ पे खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, अरे यार मेरी जो ट्यूशन की फीस थी ना वो मैंने 1 महीने के बाद डालनी थी, मैंने क्या किया उसमें से पैसा मैंने इस वाले कॉइन में डाल दिया और मेरे इतने पैसे हो गए, अब ट्यूशन की फीस के पैसे मैंने अलग कर दिए, अब मेरे पास इतना बैलेंस है। ये मैं बच्चों की बात बता रहा हूं। जो लास्ट के बुल रन का जो एक्सपो निकला एक तरीके से सर्वे के, सबसे ज्यादा किस उम्र के लोगों ने क्रिप्टो में पैसा इन्वॉल्व किया, या जो यूजर बने वो सबसे ज्यादा किस एज के लोग थे, आपको पता कितने थे? 18 ईयर से लेके 22, कितने? 18 साल से लेके 22 साल के लड़कों ने मिलके इस इंडस्ट्री को $1 बिलियन का रेवेन्यू दिया। कितने डॉलर का? $1 बिलियन का रेवेन्यू दिया। अब 18 से 22 साल के लड़के को शायद आज आप बिजनेस में सीरियस ना समझे, ठीक है, समझेंगे आप? नहीं समझेंगे। अगर आपके साथ कोई मीटर में आएगा तो आप कहेंगे यार ये बंदा सीरियस हो नहीं सकता,
लेकिन वो सीरियस है। क्यों होता है सीरियस? क्योंकि वो लर्निंग फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि वो अभी क्या है, पढ़ रहा है, सीख रहा है। उसके माँ बाप भी उसके दिमाग में एक हैपनिंग कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारे सीखने की उम्र है, ऐसे ही होता है ना। तो वो सीखने में दिलचस्पी देता है। और कई बच्चे आपको फील्ड में ऐसे मिलेंगे जिनके पास क्रिप्टो की नॉलेज आपसे ज्यादा है। तो मेरा कहने का क्या पर्पस है कि जो मैं आज इनकम कर रहा हूं मीथर से, मैं वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या आप भी लोग सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? ठीक है ना। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह होगी तो इन्वेस्टमेंट पे जो ग्रोथ है वो भी सही मिलेगी। अगर आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ भी गलत ही मिलने वाली है। ठीक है, ये दूसरी कंपनियों का एग्जांपल हो जाएगा। साली को दिए, साली पैसे लेके वापस नहीं किए, तो ये वैसे ही है कि किसी कंपनी में आपने 5 लाख रुपए डाला और वो कंपनी भाग गई। ठीक है, कि मीथर से पैसे निकाले और दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग ले ली, कि मीथर में तो पैसा आ ही रहा है, दूसरी कंपनी से भी पैसा आता है, ऐसा होता है ना। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग ऐसा काम कर जाते हैं यारी दोस्ती में। जैसे आपका कोई खास दोस्त आ गया किसी कंपनी का प्लान लेके, कोई ट्रेडिंग प्लान लेके, यार मैं खुद ही ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे पैसा दे दो, आप उसको पैसा दे देंगे। लेकिन आपने उससे एक सवाल किया कभी कि भाई मैं तुझे 10 लाख रुपए दे रहा हूं, अगर ये 10 लाख रुपए मैं आज अपने एमकॉइन में लगाता हूं तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि मेरा पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। क्या तेरे पास मेरा 1 करोड़ हो जाएगा? क्योंकि आप लोग उसको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखा रहे। अगर ये कॉन्फिडेंस दिखाएंगे ना, वो क्या बोलेगा, बात खत्म कर, मुझे ये बता तेरे यहां काम कैसे शुरू स्टार्ट होता है, मैं अपना पैसा डाल के तेरे यहां। आप लोगों के कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाता है, होता नहीं होता? ठीक है, आप सामने वाले का प्लान भी सुनते हैं। मैं, मेरी जो स्टार्टिंग है ना वो ईबीस कंपनी से है। किससे? ईबीस। अब जो ईबीस के लोग थे ना, जब उस टाइम पे एमवे भी चलती थी और भी कंपनी चलती थी, तो दूसरी कंपनी के लोग ईबीस वाले को टच नहीं करते थे। पता क्यों नहीं करते थे? कि ये नहीं सुनने वाले किसी, मतलब उन्होंने मार्केट को एक मैसेज दे दिया था कि भाई चाहे कुछ भी है, जबकि वो प्लान जो था उस टाइम पे कुछ मिलता नहीं था वहां पे ना, कोई प्रोडक्ट मिलता था। एमवे वालों में तो फिर भी प्रोडक्ट मिलता था, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स मिलते थे, एक बोलते थे हवा बेच रहे हैं। लेकिन उस हवा बेचने का भी कॉन्फिडेंस कितना हाई था कि दूसरी कंपनी वाले भी उस कॉन्फिडेंस से भागते थे कि भाई इस पर्सन को हम कन्विंस नहीं कर सकते। लेकिन आज मीथर के अंदर आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आपने अपनी मतलब जाहिर सी बात है बहुत सपनों को भी पूरा किया है। ठीक है, हमने अपने पर्सनैलिटी लेवल को भी अप किया है। लेकिन क्या आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आज आपसे कोई मिले तो वो आपको अपना प्लान प्रेजेंट ना करे, आपसे प्लान लेके जाए? यस सर, 50% लोग हम में से ऐसे होंगे जो आज भी दूसरी कंपनी का प्लान सुनते होंगे कि पहले इसका प्लान सुन लूं फिर इसको मैं अपना बताऊंगा, पहले इसका तो देख लूं इसका प्लान मेरे से अच्छा तो नहीं है। होता ना सर? Yes. मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके इरादे गलत है, लेकिन आप उसको एक तरीके से आपने उसको परमिशन दे दी। अगर आप उसका प्लान सुन रहे हैं ना, इसके मतलब आपके पास गुंजाइश है। अगर आप उसका प्लान सुन रहे हैं तो आपके अंदर गुंजाइश है कि आप उसके साथ पैसा लगा सकते हो। तो आप तो उसके प्रोस्पेक्ट बन के ना, अगर आप उसका प्लान दे रहे हैं, अगर वो आपको अपने प्लान में नहीं जोड़ पाया, या तो आप जो जिस कंपनी में जुड़े हैं उससे अच्छा प्लान नहीं होगा तभी नहीं जुड़े। मुझे लगता है कि अभी जो मेरा 15 साल का या 16 17 साल जो भी कह लो जो तजुर्बा है, अभी तक मैंने इस जर्नी में मीथर से ज्यादा अच्छा प्लान ना तो सुना है और ना ही किया है और ना ही मैंने देखा। मतलब आज जो लोग हैं मार्केट के अंदर वो बात करते हैं कि यार ये मीथर कंपनी चल कैसे रही, इसका पता तो लगाओ, इस प्लान में है क्या? अब ये चल रही है, तकरीबन चलते हुए 3 साल होने वाले हैं। ठीक है, अब 3 साल में कंपनी कहां खड़ी है आपके सामने? ठीक है, आज वर्ल्ड वाइड, मतलब मुझे लगता है कि इंडिया वर्ल्ड वाइड मीथर से बड़ा नाम कोई दूसरा नाम नहीं। ठीक है, जो बड़े बड़े जहाज थे दूसरे कंट्रीज में, जो लगता था कि ये कंपनी 5 साल से चल रही है, वो जहाज डूब चुके हैं। क्यों डूब चुके हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से।
मैंने आपको कई मीटिंग में जिक्र किया, एक ओमेगा प्रो नाम की कंपनी का जिक्र किया मैंने, है ना, अगर आपने सुना हो। ओमेगा प्रो ने वर्ल्ड में $5 बिलियन का काम किया। कितना? $5 बिलियन। 5 बिलियन होता है 45,000 करोड़। कितना? 45,000 करोड़ का काम करने वाली कंपनी भी बंद हो जाती है, ठीक है। और क्यों बंद हो जाती है? सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से। वो क्या बोलते हैं कि हम हर महीने आपको 5% देंगे, हमारे पास ये रिसोर्सेज है पैसा जनरेट करने के, कोई बात नहीं, कंपनी में पैसा डालते हैं। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। आज आपकी मैं ज्वाइनिंग करवाता हूं ओमेगा प्रो में, 5% रिटर्न का प्लान है, ₹1,00,000 की आईडी आपने लगाई, कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी होगा, मान लो 50% का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, तो 1,00,000 में से अगर हाथ के हाथ 50,000 रुपए बांट भी दिए तो कितने पैसे बचे कंपनी के पास? 50,000 बचे। अब 50,000 से कितने महीने की आरओआई पे की जा सकती है? 10 महीने की आरओआई पे की जा सकती है। अब 10 महीने तक तो उसे टेंशन नहीं कंपनी को कि आपके पैसे में कोई जनरेशन करनी है, वो 10 महीने की पे मतलब आपको ना आरओआई देना शुरू कर देंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। जब 4 या 5 महीने की आरओआई आ जाएगी तो आप क्या बोलेंगे अपने रिश्तेदार को, यार मैंने ना वहां 1,00,000 रुपए लगाया था, मुझे ना ऐसे ऐसे पैसे आ रहे हैं। तो आपका रिश्तेदार क्या करेगा? 5,00,000 लगा देगा। अब उसका महीना कब से शुरू हो रहा है? 5 महीने के बाद। और आपके 5 महीने बचे थे, उसके पास आपको देने के लिए सिर्फ 25,000 रह गए थे, लेकिन तभी आपने उसको क्या किया? 5,00,000 और दे दिए। तो क्या हुआ? अब उसको आपको देने की आपकी भी लिमिट शुरू हो गई। अब उसको उसने देना है तो उसके पास भी 10 महीने उसको देने के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है और कंपनी का वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। अब इस बढ़ने में क्या हुआ, कंपनी आगे कहीं जनरेट नहीं करती, कहीं भी वर्ल्ड के अंदर कोई जनरेशन नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको समझने की जरूरत है, जिस तरीके से कंपनी जनरेशन की बात करती उतना जनरेशन कहीं होता ही नहीं। क्योंकि पहली बात, जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं बड़ी बड़ी, जो फॉरेक्स इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम है, जेपी मॉर्गन, ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, अगर वहां पर भी आप $5 मिलियन लेके जाएंगे ना तो वो साल की आपको कितनी रिटर्न देगा पता है? 10% का एग्रीमेंट करेगा। कितने का? 10% साल का। उससे ज्यादा का लीगली एग्रीमेंट वो आपके साथ करेगा ही नहीं। लेकिन एक उसी इंडस्ट्री में आपके इंडिया के अंदर आदमी बैठा होगा, आपके शहर में बैठा होगा ऑफिस खोल के, वो बोलेगा मैं फॉरेक्स कर रहा हूं, वो आपको डेली कितनी रिटर्न की कमिटमेंट करेगा? सर वो डेली 5 भी बोल देगा 10 भी बोल देगा। वो कह देगा जी पैसा डालो $1,00,000 $10,00,000 इसी के बना के दे दूंगा। होता है ना ऐसा? एक कंपनी जो सबकी बाप है फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, वो 10% के से ज्यादा का एग्रीमेंट नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी कंपनी, भाई साहब चश्मा क्यों लगा रखा है? आंख में दर्द मगर कभी सो रहे हो, ठीक है ना। तो अब दूसरा वही शख्स क्या कर रहा है, वो रिटर्न ज्यादा कमिटमेंट कर रहा है उसी के अंदर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, नहीं ऐसा नहीं कि इंडिया में ही कंपनी बंद होती है, इंडिया से बाहर अमेरिका में भी कंपनीज बंद होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनीज बंद होती है, स्कैम प्रोजेक्ट हर जगह है। अब स्कैम प्रोजेक्ट कौन सा नहीं हो सकता है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी नॉलेज के साथ। पहली चीज जो मेरा अपना मानना है, जो मैंने नेटवर्किंग के तजुर्बे से सीखा है, जो कंपनी आरओआई पे काम करेगी वो डूबेगी ही डूबेगी। पहला रूल, आप भीतर में काम करें ना करें, ठीक है, आज आप यहां बैठे आपको लगा मैंने 5-10 करोड़ कमा लिया मैं काम नहीं करूंगा, तो पहला रूल अपनी लाइफ का बना लीजिए कि कभी भी जहां पर आरओआई कोई कंपनी पे करती है वहां पर काम ना करना है ना पैसा डालना है, वो कंपनी डूबेगी ही डूबेगी। किसी का इन मतलब ग्रोथ प्लान अगर कम होगा तो वो ज्यादा चल जाएगी, किसी का ज्यादा होगा तो वो कम चल जाएगी, लेकिन वो कंपनी डूबेगी ही डूबेगी। उसका रीजन है, और आइडेंटिफाई करता हूं मैं इस चीज को, जैसे मैंने ओमेगा प्रो का एग्जांपल दिया, मान लो आज आपने एक फॉरेक्स का टर्मिनल बना लिया और आपने ट्रेडर बिठा दिए 10, आदमी 10 से शुरुआत करता है, 10 ट्रेडर बिठा दिए, बढ़िया ऑफिस बना दिया, आप 10 ट्रेडर को आपने $1,00,000 का अकाउंट दे दिया और उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, वो प्रॉफिट भी निकाल रहे, लेकिन $1,00,000 के बाद आपके पास आ गया $10 मिलियन, तो क्या आप उनको $1 मिलियन देंगे? आप कभी नहीं देंगे।
और ना ही आप रिक्रूटमेंट करेंगे कि बाकी मैं 90 ट्रेडर को अपने पास बिठाऊं, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं बिठाना चाहे। अब होने क्या लगता है, वो कंपनीज उन पैसे को अपने अकाउंट में डालने लगती है, ग्रोथ हो जाती है बिल्कुल बंद। मतलब जो 1-2% महीने का रेवेन्यू भी आना है ना ट्रेडिंग करके, वो रेवेन्यू भी बंद कर देती है वो कंपनीज। अब उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, मार्केट से पैसा आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा है, तो वहीं से उसकी रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। जब रोटेशन स्टार्ट होती है तो एक टाइम आने के बाद वो रोटेशन बंद हो जाती है और कंपनी एक मैसेज डालती है कि हमारे वेबसाइट में इशू आया है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद हम दूसरी वेबसाइट पे आपको पैसा देना शुरू करेंगे। वो 15 दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, और वो पैसा कभी दोबारा स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो नेटवर्किंग में आपको समझने की जरूरत है, कई तरह के प्लान चलते हैं, हाई प्लान भी चलते हैं जो डेली का 10% भी देते हैं, ठीक है। अभी मैं गुरप्रीत जी के ऑफिस में था तो कोई शख्स थे, मुझे लगता है अबरार नाम था सर उसका, शायद अबरार या कुछ ऐसे ही नाम था, नहीं नहीं सर वो जो अबरार था, ठीक है, बंदा प्रधान है गांव का, अपने सरपंच है। अब वो एक कॉइन में काम कर रहा है और इस इंडस्ट्री से बिल्कुल मतलब अवेयर नहीं था। अब एक कॉइन में उसने काम किया तो वो कॉइन 1 साल चल गया उसका ना, 1 साल चल गया, उसने पैसा कमाया। अब उसी के साथ के जो लोग जो उसको उस कॉइन में लेके आए, वो उसके साथ डिस्कस करते हैं कि अबरार भाई एक ना प्लान आया है, ठीक है, प्लान आया है, $1,000 डालने हैं, $1,000 पे 10% डेली का प्लान है, कितने का 10% डेली, $1,000 डालने हैं, जब हम डालेंगे तो 50% पैसा तो साथ के साथ वापिस आ जाएगा उसमें, और 5 दिन अगर कंपनी चल गई तो क्या होगा, 50% वो भी आ जाएगा। अब वो क्या कहता है, कन्विंस हो जाता है, लेकिन कन्विंस होने के बाद वो क्या बोलता है कि मेरे पास $1,000 नहीं है डालने के लिए, आप डाल दो, पैसा आया तो मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, जो उसके दो सीनियर थे, अब जाहिर सी बात उन्होंने उस कंपनी में बिजनेस दिया था उस शख्स ने, अब वो बात से वापिस भी नहीं जा सकते, तो उन्होंने उसकी भी आईडी डाल दी। अब अगले दिन जब 10% आना तो क्या हुआ, वो कंपनी बंद हो गई। अब जब वो 10% नहीं आना था तो उस आदमी को ना वो $500 पे करने पड़े, मतलब 1,000 में से $500 का तो कमीशन रात को ही आ गया, तो उसे $500 पे करने पड़े। तो वो बता रहा था कि ऐसा भी तजुर्बा मैंने गेन किया कि मैं, मतलब लोग लालच करते हैं ना, अभी मैं आपको बोलूं 10% का प्लान है तो कोई भी कैलकुलेशन कर लेगा, तो सम टाइम जो आप कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन में आप लोग गलत भी साबित हो सकते हैं। देखिए अभी आप लोग उभरते हुए चेहरे हैं, अगर आपने अपनी समझ को स्ट्रोंग नहीं किया, अपनी मनी मैनेजमेंट को स्ट्रोंग नहीं किया, तो जो भी आप पैसा कमा रहे हैं लोग ड्रेन करने के लिए आएंगे और आपसे ड्रेन करके पैसे को ले जाएंगे, ठीक है। तो आपने अपने पैसे को भी संभालना है और अपनी टीम के पैसे को भी संभालना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना तो टीम को अवेयर करते हैं, आप मुझे बताइए हम कितने लोग कनेक्टेड अपनी टीम के साथ, हम ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। आज भी ग्रुप के अंदर एक गलती से हमने वो एमकॉइन चैट ग्रुप बना दिया, वहां आज भी लोग पूछते हैं कि गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे रीसेट होता है, ठीक है, लोग पूछने आते हैं विड्रॉल कैसे होता है। अब आप मुझे बताइए, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बेसिक चीजें, और एक आदमी जो पैकेज लेके बैठा है वो अपने लीडर से ना पूछ के कहां पूछ रहा है, ग्रुप के अंदर पूछ रहा है, इसका मतलब उसका लीडर उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग अक्सर क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कई लोगों को सुस्ती आ रही है, बोर तो नहीं हो रही मेरी बात, नो हो रहा है, बोर लग रहे नहीं सर, सर चाय निकलने वाली है। देखिए ये जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मेरी नॉलेज है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको इसका एडवांटेज मिले, ठीक है। तो अगर कुछ लोग नींद में हैं तो वो खड़े होके, ठीक है, थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं, खड़े होने के बाद उनको थोड़ा एहसास होगा, नींद खुल जाएगी उससे, ठीक है ना, वरना हम ये कहेंगे कि एक बार रिसेप्शन पे जाओ और ऊपर जाओ और फिर आ जाओ। उसके बाद उसकी हार्ट बीट आधे घंटे तक नहीं थमने वाली।
ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी में यही है, एक बार बंदे को अगर पनिशमेंट देनी है ना रिसेप्शन पे भेज दो और ऊपर बुला, इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती ऐसे ही। तो दोस्तों कहने का पर्पस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में देखिए अकलौती जो है वो मीथर काम नहीं कर रही, और भी कंपनीज काम कर रही है, लेकिन दूसरी कंपनीज में आपके जानने वाले लोग ना जाएं और आपका पैसा ना जाए, इसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट क्यों स्ट्रॉन्ग है पता है आपको, ये तो मैंने आपको बात बताई ओमेगा प्रो की एक कंपनी, और मैंने एक नाम लिया, वरना बहुत सारी कंपनीज है जो इसी फॉर्मेट में आके काम करती है। अब मैं बात बताता हूं आपको मीथर की, कि भाई मीथर कैसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, आप इसको भी समझते हैं ना, एक तो हमने दूसरी कंपनी का प्लान समझा, ग्रोथ का प्लान समझा, ये तो बात समझ में आ गई है, अगर कोई कंपनी आरओआई दे रही है तो वो कंपनी डूबेगी ही डूबेगी। ठीक है, अब मीथर क्यों नहीं डूबेगी इसके बारे में भी बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मीथर आपको कोई आरओआई दे रहा है? मीथर आपको कोई आरओआई नहीं दे रहा। ठीक है, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई ऐसे प्लान से आए हैं, जो कहते हैं यार मैंने वहां काम किया, भले किसी को कोई पैसा नहीं बना, लेकिन मेरे साथ ना कोई दिक्कत नहीं आई, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट रहा। एक कंपनी का नाम था दो ढाई साल पहले फोर्स आर्ज करके ना, एक कंपनी बहुत प्रमोट हुई। अब फोर्स आर्ज क्या था, डिजिटल ग्रोथ प्लान था। ग्रोथ प्लान, ग्रोथ प्लान क्या होता है कि पहले 10 आएंगे, 10 के बाद जब 100 जुड़ेंगे तो उन 10 को 100-100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, जब 100 के बाद 1000 आएंगे तो जो पहले 10 थे उनको 500 मिलेंगे, लेकिन जो 100 आए उनको 100-100 मिलेंगे। फिर जब 10,000 आएंगे तो ऐसे पैसे बढ़ता चला जाता है। लास्ट में जब हम 10 लेवल की बात करते हैं तो 10 लेवल तक क्या होता है, लोग जुड़ जाते हैं 1,00,000। अब 1,00,000 आदमी जल्दी तो नहीं जुड़ेगा, अब क्या होता है प्रोसेस स्लो हो जाता है। जिस ऊपर वाले को जो पहले 10 आदमी थे वो तो फटाफट पैसा देख रहा था, अच्छा इस महीने भी चेक आया मुझे ग्रोथ का, अगले महीने भी चेक आया, उसका चेक बढ़ता रहता है, लेकिन एक टाइम में आके उसका चेक रुक जाता है। क्यों रुक जाता है एक सोचिए, जीते में सर बिजनेस आ रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन लेवल का साइज बढ़ रहा है, कि जब तक 10वें लेवल पे 1,00,000 लोग नहीं जुड़ेंगे ऊपर के 9 लेवल को पैसा नहीं बढ़ेगा। इसको बोलते थे पहले 2005 से लेके 2009 के बीच में ये प्लान सबसे ज्यादा चले इंडिया के अंदर, इसको बोलते हैं ग्रोथ प्लान या लेवल प्लान भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसी का दूसरा रूप था डिजिटल फॉर्मेट में फोर्स आर्ज। फोर्स आर्ज ने इसको निकाला इथेरियम के अंदर, तो आदमी की शायद 0.10 से इथेरियम से ज्वाइनिंग होती थी, उसको बोला जाता था ये स्लोट बाय कर लो, जैसे होता था ना कि भाई लेवल में अगर तुमने 5 आईडी लगा ली तो 5 को पैसा आएगा, तो ऐसे ही स्लोट बाय करवा देते थे, अगर आपने ये स्लोट बाय कर लिया तो जैसे जैसे नीचे लोग जुड़ते जाएंगे आपको ना बाया मतलब पैसा आता रहेगा। आप अगर आपने स्लोट बाय किया और नीचे लोग नहीं जुड़े तो क्या आपको कोई पैसा आएगा? कोई पैसा नहीं आएगा। क्या आपको स्लोट बाय करने के बाद कोई प्रोडक्ट मिला? नहीं मिला। तो उन प्लान को आदमी एक लीडर क्या कहता है कि मुझे वहां कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही दिन क्लियर कर दिया सामने वाले को, तुझे ये स्लोट बाय करना है, जब तेरे नीचे लोग जुड़ेंगे तो तुझे पैसा आएगा, अगर नहीं जुड़ेंगे तो नहीं आएगा। अब वो अपनी एक्सपर्टीज को अपनी कलाकारी समझ रहा है। मान लो आज मौर्या जी को मैं बता दूं कि आज आपने 1,00,000 रुपए लगाना है, जब तक 5 लोग आपके नीचे नहीं आएंगे तो ये 1,00,000 रुपए वापस नहीं होगा। अब इनके बाद अगर 5 लोग नहीं आए तो जाहिर सी बात है मुझे बोल नहीं सकते, मैं बोलूंगा भाई 5 लोग ही नहीं आए तो तुम्हें 1,00,000 रुपए कैसे आए? ठीक है, अब वो लोग अपने आप को बहुत ट्रांसपेरेंट समझते हैं, बहुत क्लैरिटी वाले समझते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने प्लान की, मीथर की, हमारे पास एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा एडवांटेज, जब आप कंपनी में किसी भी शख्स को पहले दिन जोड़ते हैं, उसको ज्वाइन कराते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आप उसको बोलते हैं आपने $90 का पैकेज लिया तो आपको $180 वैल्यू के क्या मिलेंगे? एम कॉइन मिलेंगे। अब वो एम कॉइन कितने हो सकते हैं? उसके शायद वो 100 कॉइन भी हो सकते हैं एज पर प्राइस।
अब वो 100 कॉइन मिलने के बाद जो आपका कमिटमेंट था उसके साथ, वो कमिटमेंट पूरा हो गया, पहले दिन कमिटमेंट पूरा हो गया, अब आप उसके साथ डील में बॉदर नहीं रहे, ठीक है। जिसका एडवांटेज दूसरा लीडर दूसरी कंपनी का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया, वो अपने आप को बहुत क्लियर समझ रहा है कि मैं तो क्लैरिटी वाला बिजनेस कर रहा हूं। हमारे बिजनेस के अंदर पहले ही स्टेप पे ये क्लैरिटी है या नहीं? कि आज आपने $1,00,000 का पैकेज लगाया तो $2,50,000 की वैल्यू के एम्प्लॉय मिल गए। अब इसका एडवांटेज क्या है कि $90 लगा के आपको $180 का एक कॉइन मिल गए, तो पहले दिन आपका जो $2 का रेट था वो कितने का पड़ा आपको? $1 का पड़ा। क्या आज अगर $1 का रेट लेना कहीं से मिल सकता है? मिल सकता है कहीं? अगर हम ट्रेड बिट एक्सचेंज की भी बात करें जिसपे लोग बोलते हैं कि प्राइस थोड़ा कम रहता है, उसके ऊपर भी 1.70-1.60 के आसपास मिलेगा, लेकिन वो भी हम सबको नहीं मिलेगा। अगर आज हम सब मिलके 1,000-1,000 कॉइन खरीदे तो ट्रेड बिट एक्सचेंज के ऊपर 1,20,000 कॉइन अवेलेबल नहीं है। हम 120 लोग हैं, अगर हम 1,000-1,000 कॉइन खरीदे तो 1,20,000 एंड पॉइंट ट्रेड बिट पे अवेलेबल नहीं। आपको पता रेट कहां पहुंच जाएगा ट्रेड बिट के ऊपर? कितना सर? $100 का रेट ट्रेड बिट के ऊपर आज ही जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि एमकॉइन का रेट कब बढ़ेगा, तो इसको घटाना और बढ़ाना इसका बटन हमारे हाथ में, ठीक है ना? लेकिन उसको एक आदमी नहीं दबा सकता, सबको मिलकर दबाना पड़ेगा, घटाने के लिए भी और बढ़ाने के लिए भी। आज आदमी एक आदमी सोचे मैं रेट गिरा दूंगा, वो नहीं गिरा सकता। एक आदमी सोचे मैं रेट बढ़ा दूंगा, वो नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। तो ये बटन सबके फिंगर ट्रिप बोलेगा, ठीक है, एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता। तो इसको समझने की जरूरत है। जब आप किसी के पास बैठते हैं ना, अगर आपने उसको ये चीज समझा दी, ये फियर होता सामने वाले के अंदर। क्या फियर है? आप लोगों के अंदर भी था। जगतार सिंह निहाल जी और बलजिंदर सिंह बरनाला जी मेरे साथ मिलने आए दिसंबर 2020। सर दिसंबर 2020 में राजपुरा हवेली पंजाब के अंदर एक जगह है, ये वहां पर मिलने आए। और जगतार सिंह निहाल जी पैरी फाइनेंशियल सर्विसेज चलाते हैं उस वक्त, ठीक है, फाइनेंस का काम है। तो जो फाइनेंस वाला होता है ना, वो कैलकुलेटिव होता है ना, कैलकुलेटिव, मैं क्या पैसा लगा रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। तो बलजिंदर जी से भी मेरी दूसरी तीसरी मीटिंग थी, एक दो मीटिंग मेरी हुई थी, लेकिन वो जाहिर सी बात है जीरकपुर में हुई। तो उस मीटिंग के अंदर इन्होंने डिसीजन लिया जगतार सिंह निहाल जी ने कि मुझे $900 का पैकेज करना है, ठीक है। $30 का कर लिया था शायद आने से पहले, 900 का पैकेज करना है। फिर इन्होंने मेरे से वहां पर डिस्कस किया $27,000 का पैकेज, कि मुझे $27,000 लगाना है तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो $27,000 की मैंने इनको कैलकुलेशन समझाई। अगर आप $27,000 लगाते हैं तो आपको $54,000 के कॉइन मिलेंगे, और $13,500 उस वक्त वापिस आते थे। मतलब $27,000 का पैकेज अगर कोई ले रहा है तो 50% कंपनी पैसा ई बैंक में 3-6 महीने के बाद, 180 दिन पूरे होने के बाद वापिस कर देती है। 150 दिन, ठीक है। अब 150 दिन के बाद अब कॉइन का रेट देखिए, 10 सेंट का रेट, ठीक है। पहले वो कितने का मिला? 5 सेंट का। अब अगर 50% पैसा भी आ गया तो वो कितने का पड़ा? 2.5 सेंट, ठीक है। अब इन्होंने कैलकुलेशन कर ली कि आज मैं पैसा लगा रहा हूं, कॉइन की लॉन्चिंग हुई है 10 सेंट के ऊपर, और मुझे कितने का पड़ा है? 2.5 सेंट के ऊपर। तो लॉन्चिंग के बाद तो प्राइस अब जाते ही जाते हैं, तो मेरा तो प्राइस नीचे नहीं आने वाला, ठीक है, मुझे तो लॉस नहीं होने वाला। अब ये एक आदमी जो आपके साथ जुड़ता है वो सारी कैलकुलेशन पहले ही कर लेता है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अब जो पूरे मैकेनिज्म को समझता है कि वो कैसे लॉस में जा सकता है, कैसे प्रॉफिट में जा सकता है। आज मुझे बताइए कि जब आज हम मीथर में काम कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाला आपसे एक सवाल करता है, वो क्या सवाल करता है कि मुझे लॉस क्या हो सकता है और मुझे प्रॉफिट क्या हो सकता है, दो ही सवाल करता है। और अगर कोई नहीं करता तो उसके मन में दो ही सवाल होते हैं, प्रॉफिट का और लॉस का, कि ये दोनों मेरे लिए क्या हो सकते हैं। तो मैक्सिमम लॉस मीथर में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। आज आप मीथर का पार्ट हैं,
क्या आप में से किसी को कॉन्फिडेंस है कि मीथर का जो एम कॉइन है वो जीरो हो सकता है? जीरो प्राइस में कितना हो सकता है? अगर हम सब बेचने पे भी आते हैं तो हमारे जैसे और लोग भी हैं जो खरीदने के लिए तैयार हैं, जो अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि भाई पता नहीं कॉइन का प्राइस ये मिले ना मिले, बाय करो बाय करो। जब बिटकॉइन का प्राइस क्रैश होता है तो कुछ लोग फियर में आके बेचते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट लोग उस टाइम पे बल्क में बाय करते हैं। 1,000 बिटकॉइन 2,000 बिटकॉइन 3,000 बिटकॉइन 5,000 बिटकॉइन जिनको हम बोलते हैं वेल्स, वो नीचे खरीदती है और जब ऑल टाइम हाई चल रहा होता है तो उस टाइम पे बेचती है। उस टाइम पे बेवकूफ लोग बाय कर रहे होते हैं। $65,000 हो गया बिटकॉइन, अब पता नहीं $10,00,000 ना पहुंच जाए, बाय करो। वही वो प्राइस $10,000 या $20,000 में बाय नहीं करते। अब बाइंग के अंदर जो भी आपके साथ पैकेज लगा रहा है उसका प्रॉफिट क्या हो सकता है, उसका लॉस क्या हो सकता है? क्या वो लाइट अच्छा, उसका प्रॉफिट क्या हो सकता है, उसका लॉस क्या हो सकता है? अगर आपने अपने यूजर को जो आपके सामने बैठा है, चाहे आपका वो लीडर है चाहे आपका वो प्रोस्पेक्ट है, अगर ये बात समझा दी तो वो डिसीजन ले पाएगा कि मुझे कितने से स्टार्ट करना है, वो सेटिस्फाइड होगा। मान लो आज मैं मीथर के अंदर अपनी टोटल इनकम, जो मेरी क्रिप्टो की भी होल्डिंग थी, मैंने वो कन्वर्ट किसमें कर दी? एम कॉइन के अंदर कर दी। ठीक है, आज मेरे जो बाइंग है, मेरी कोई भी क्रिप्टो के अंदर बाइंग नहीं लगी हुई। पहले मेरी लगी होती थी कि प्राइस नीचे होगा तो मैं ये कॉइन बाय कर लूंगा। ठीक है, अगर मैं आज आपको अपना बाइनांस का अकाउंट दिखाऊं तो मेरे पास एक सिंगल कॉइन भी नहीं है, कोई भी, ना बिटकॉइन है ना इथेरियम है ना पोलकाडॉट है, कोई भी मैंने नहीं रखा हो। और ये मैंने 2025 तक सोचा हुआ है कि मेरी 100% जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे किस में रहेगी? एम कॉइन के अंदर। और अभी भी अगर 20% मेरे पास कुछ है तो वो क्या है? वो है यूएसडीटी। क्या है? यूएसडीटी, क्योंकि यूएसडीटी से एम कॉइन बाय करूंगा। ठीक है, तो वो मटेरियल बनाने के लिए रॉ मटेरियल है मेरे पास, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास जो पर्पज है उस रॉ मटेरियल को रखने का वो भी एम कॉइन ही है। ठीक है, अभी जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी मानसिकता क्या है, लेकिन मेरी मानसिकता क्या है मीथर को लेके, कि अगर आज मेरे साथ मान लो 1,000,000 लोग काम कर रहे हैं तो ये 1,000,000 से 1 करोड़ भी कन्वर्ट होंगे, 10 करोड़ भी कन्वर्ट होंगे। आज तो आप लोगों के पास क्वांटिटी है एम कॉइन की लाखों में बोलने के लिए, लेकिन जब मैं 1 करोड़ लोगों को क्रॉस करूंगा तो शायद उस वक्त मेरी टीम में एक शख्स ऐसा नहीं होगा जिसके पास 10,000 एम कॉइन हो। कितने? 10,000। कि सिर्फ 10,000 एम कॉइन भी किसी के पास हो। हर आदमी क्या कर चुका होगा? जब तक अपने आप को खाली कर चुका हो बेच के। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं $10 पे कॉइन को बेचूंगा, $5 पे बेचूंगा, $100 पे बेचूंगा, फिर आपकी वाइफ आपको बोलेगी अब बेच दो ना, $50 हो गया, फिर $5 हो गया तो क्या होगा? तो आप बोलोगे कह तो ठीक रही है, अगर $5 हो गया तो नुकसान हो जाएगा $45 का, तो बीवी पिकवा देगी। फिर आपका समझदार बेटा जो बाहर पढ़ रहा है या पढ़ के आया है वो बिकवा देगा, फिर आपका कोई समझदार रिश्तेदार बिकवा देगा, फिर आपका अपलाइन बिकवा देगा, फिर कोई आपका जो पार्टनर होगा, ठीक है, वो आपको इंसिस्ट करके बिकवा देगा। तो फाइनली आप में से हर आदमी अपने कॉइन को बेचेगा जो बेचेगा जो। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो में होल्डर माने जाते हैं, 2009 में बिटकॉइन खरीदा और 2022 तक उसके पास बिटकॉइन पड़ा रहा, वो मतलब किसके पास पड़ा रहा, जिसे आता ही नहीं ट्रांसफर करना और बेचना। जिसके पास नॉलेज नहीं है ट्रांसफर करने की और बेचने की, सिर्फ क्रिप्टो के अंदर आजकल वही होल्डर। बाकी जिसको पता है कि बिटकॉइन कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे बिकता है, उसने अपनी 2017 में बेच लिया। तो ऐसे ही एम कॉइन के अंदर होगा। अब एम कॉइन में कॉइन किसके पास बचेंगे पता है? कई लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन लिंक लेने के बाद आपको फोन ही नहीं करेंगे कभी, 2 साल 3 साल 3 साल के बाद उसको याद आएगा यार मैंने इस शख्स के थ्रू ना कुछ लिया था, तो आप देखेंगे उसका अकाउंट, ओ तेरी इसके पास इतने कॉइन है, हमारे पास तो नहीं।
होगा ना ऐसा जगतार जी, क्योंकि आप लोग तो समझदार थे, ये बेवकूफ था, इसने कॉइन बेचे ही नहीं। आप लोग समझदार थे, आपने कॉइन को बेच लिया, और बेचने के बाद आपने क्या किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर। आज आपको पता है अगर आप 10 करोड़ रुपए लगा के एक कॉम्प्लेक्स भी खड़ा करते हैं तो मंथली जो इनकम आती है वो कितनी आती है, बता सकते हैं? प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मैंने बहुत काम किया है, मैंने ज्वाइन कराया उन लोगों को, इन्वेस्टमेंट भी कराई है उनकी। तो प्रॉपर्टी के अंदर अगर बढ़िया से बढ़िया जगह है तो रिटर्न पता क्या आती है, 50 पैसे। मैं ये बहुत अच्छे शहर की बात कर रहा हूं। और अगर मैं यूपी में चला जाऊं तो दुकान की कीमत है 25 लाख, किराया कितना, 1500 रुपए। ये है नहीं है सर, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। ये वो भी मुश्किल से मिलता है, वो भी साल में इकट्ठा करके देता है। अब अगर मैं शहर की बात करूं, मान लो चंडीगढ़ की बात करूं, अगर आप कोई 1 करोड़ रुपए का कोई शोरूम बाय करते हैं तो शायद आपको 50,000 रुपए रेंट मिल जाए, मतलब 50 पैसे हम मान के चलते हैं। 10 करोड़ रुपए लगाने के बाद आपको महीने का कितना पैसा आ रहा है, 5 लाख। 50 पैसे मतलब हुआ 5 लाख। अगर मैं आज आपको बोलूं कि यही 10 करोड़ जो आप एक कॉम्प्लेक्स में लगा रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है चैलेंज तो उस कॉम्प्लेक्स में भी आ सकता है, पता नहीं आपका ऑक्यूपाइड होगा नहीं होगा। ठीक है, ऑक्यूपाइड होने के साथ जो बिल्डिंग कंडीशन है, जो बिल्डिंग क्वालिटी है, जो बिल्ड हुआ है, शायद उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, बिल्डर ने आपके साथ धोखा कर दिया हो, ठीक है, जो मटेरियल उसको डालना था स्ट्रॉन्गनेस के लिए वो ना डाला हो, तो शायद 5 से 10 साल के बाद बिल्डिंग भी वीक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब हम करंट की बात करते हैं कि मान लो हम 120 लोगों ने मिलकर इस होटल में इन्वेस्ट किया। मैं रविंदर जी से पूछ रहा था इस होटल की क्या कीमत है, तो वो बता रहे थे 100 करोड़ रुपए। जिस होटल में हम बैठे हैं इसकी जो आज की वर्थ है वो 100 करोड़ रुपए। अब हम सब ने मिलकर 100 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया। अब इसमें टोटल कितने रूम है, 70 रूम है, कितने, 70 रूम्स। पर रूम का जो रेंट है वो 10,000, तो 70 रूम का डेली का रेंट कितना हुआ, 7 लाख रुपए हुआ। अभी 7 लाख में रनिंग कॉस्ट भी होगी 50%, तो 3.5 लाख रुपए में क्या कमा रहा हूं, डेली कमा रहा हूं। महीने का कितना हो गया, 3.5 को अगर मल्टीप्लाई करूं 30 के साथ तो 1 करोड़ हो गया, मतलब 1%। 100 करोड़ का कितना आ रहा है मुझे हर महीने, 1% आ रहा है। कब, जब आपके अंदर एक्सपर्टीज है इस प्रॉपर्टी को रन करने की, ठीक है, रन करने की। अब मैं बात करता हूं एम कॉइन की। एक आदमी है जिसने 10 करोड़ रुपए लगाया एम कॉइन के अंदर, उसने कोई पैकेज नहीं लिया, वो गया ट्रेड बिट एक्सचेंज के ऊपर, उसने वो 10 करोड़ के कॉइन, 10 करोड़ का कितना पैसा बना, कितना पैसा बना 10 करोड़ का, डॉलर का कितना बना था कि, चलो 10 लाख डॉलर मान लेते हैं, तो 10 लाख डॉलर के 5 लाख कॉइन उसने खरीदे, और 5 लाख कॉइन खरीद के उसने ट्रेड बिट के ऊपर स्टेक कर दी। अब उसने स्टेकिंग डाली फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में उसको क्या मिल रहा है, 15% मिल रहा है। अब 5 लाख के ऊपर अगर हम 15% करते हैं तो कितना बनता है, सर मेरा मोबाइल गए, मैं आपको बताता हूं, कैलकुलेशन बता रहा हूं ना, 7.5 लाख। हम ये सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि 5 लाख उसने कॉइन लगाए, 75,000 कॉइन उसको आया, ठीक है, डेली का उसको 205 कॉइन आ रहा है, कितना, 205 कॉइन डेली का आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 30, महीने के कितने कॉइन हुए, 6164 कॉइन हुए। अब आप मुझे बताइए एक महीने तक क्या रेट 2 डॉलर रहने वाला है, 60 दिन तक कितने रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कितना हो जाएगा 60 दिन। आपकी टीम भी तो आपसे पूछती हूँ, मैं समझ लो मैं आपकी टीम का मेंबर हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं 60 दिन में रेट कितना हो जाएगा, $3। अच्छा 60 दिन में नहीं, अब मानते हैं 5 महीने में कितना हो जाएगा, $8। चलो मैं $4 ही मानता हूं। अब मैंने 5 लाख कॉइन खरीदे थे 9 करोड़ रुपए की, ठीक है, और मैंने डाले थे, तो आप मुझे बता रहे हो कि 5 महीने के अंदर रेट हो जाएगा $8। तो पहले तो जो मैंने 5 करोड़ डाला वो 5 महीने में मेरा कितना हो गया, डबल हो गया, 10 करोड़ हो गया, ठीक है।
अगर आज हम सब मिलकर इस प्रॉपर्टी को ले लें और हमें इसको आज बेचना हो तो क्या एक दिन में इस प्रॉपर्टी को हम सोल्ड कर सकते हैं? नहीं नहीं। जितने प्रोसेस में आपका पैसा डबल हो गया उतने प्रोसेस में इसका कोई ग्राहक मिलेगा इसको बाय करने वाला, ऐसे ही। दूसरी बात, डेली यहां से अर्निंग के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, ओवरऑल लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, तब आप जाके पैसा कमाएंगे। लेकिन 5 लाख कॉइन आपने स्टेक कर दिए फ्लेक्सिबल, मैंने फिक्स की बात नहीं की है, आपने फ्लेक्सिबल में स्टेक कर दिए तो 205 कॉइन डेली आ रहे हैं, महीने के हो गए 6000 कॉइन। अगर $4 का रेट बन जाता है एक महीने के बाद या $3 का बन जाता है तो कितने कितने हो गए डॉलर? 6 × 3 = 18, $18,000 और $20,000 हो गए, ठीक है। तो कितना पैसा आया आपके पास? $20,000 का 18 लाख रुपए आया। क्या कहीं पर 10 करोड़ रुपए लगा के आपको 18 लाख रुपए बन सकता है? No. किसी भी बिजनेस के अंदर? No. और उस बिजनेस से अगर आपको वो पैसा निकालना है तो क्या आप हाथ के हाथ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जवाब आपके पास है, लेकिन फिर भी हम वो सेम गलती बार बार रिपीट करते हैं कि हम अपना पैसा किस जगह डाल रहे हैं? प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं। नदीम भाई ने बहुत गोल्ड खरीद लिया, बहुत प्रॉपर्टी खरीद ली, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब मुझे नहीं पता इन्होंने खरीदा नहीं खरीदा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी, एक घर आपका बढ़िया बना हुआ है, आप दूसरा घर बना रहे, मतलब पैसे को आप सही जगह लगा के ना गलत जगह पैसा लगा रहे हैं, और जो ग्रोथ आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए वो ग्रोथ आपकी नहीं हो रही, ठीक है। एक मीटिंग हुई थी अगर आपको याद है पंजाब के अंदर क्रिसमस पे, एक लड़की वहां पर आई, किसी की गेस्ट थी, याद हो अगर आपको, है ना, याद है ना, नवा शहर से आई थी। उसने ना एक्सप्लेन किया कि आपको पता है जो गोरे लोग हैं वो क्यों राइज कर रहे हैं उनसे ज्यादा और हम क्यों नहीं राइज कर रहे हैं? वो ना इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा कैलकुलेट करके चल रहे हैं, इसने कुछ बताया था, अपनी एज के साथ वो कैलकुलेट कर लेते हैं फिर इतना इन्वेस्ट करते हैं, हमारी ना वो बिल्कुल आदत नहीं। गोरे जो है अपनी इन्वेस्ट इनकम का तकरीबन 70% पैसा री इन्वेस्ट करते हैं, और री इन्वेस्ट भी बहुत सही जगह करते हैं। हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से 50% भी इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। अब दो चीजें होगी, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप एम कॉइन में अपनी होल्डिंग रखते हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं आप पैकेज लगाओ, ठीक है, आपको लग रहा है मैं कंपनी में 2 साल के लिए क्यों फंसूं, 2.5 साल के लिए क्यों फंसूं, कॉइन तो बाय कर सकते हो एक्सचेंज से, उसमें तो कोई फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने एक्सचेंज से अपनी इनकम का कॉइन बाय किया, सबसे पहले तो आपने इस कम्युनिटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। आज 1 लाख कॉइन बिकने आता और हम सब मिलकर 1000-1000 कॉइन खरीदते हैं तो सबसे पहले तो वो 1 लाख कॉइन हमारी जेब में आ गया और 1 लाख जो बेचने आया उसको पैसा मिल गया, ठीक है। अब जब दूसरा 1 लाख कॉइन बेचने आएगा और कोई सेलर होगा ही नहीं तो क्या होगा? वो जो हमने 1 लाख कॉइन खरीदा उसकी क्या बढ़ रही है? कीमत बढ़ रही है। तो हम में से कुछ लोग शायद $3 पे बेच दें, $4 पे बेच दें, $5 पे बेच दें। अब ये मैं करंट सिचुएशन आपको बता रहा हूं, USDT जो क्रिप्टो का स्टेबल कॉइन है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, जैसे एम कॉइन में ग्रोथ हो रही है ना, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? 1.01। क्या रहने वाली है? 1.01। मतलब अगर 1 रुपए का तो 1 ही का रहेगा, ना तो 99 पैसे का होगा ना 110 पैसे का होगा, ठीक है, 1 रुपए का रहेगा। अब उस कॉइन को भी आज आप मार्केट में नहीं खरीद सकते, मतलब वो मिल ही नहीं रहा। अब हर आदमी इसको खरीद के अपने वॉलेट में रख रहा है, क्यों? क्योंकि वो गेटवे बन गया है क्रिप्टो बाय करने का। क्या करने का? आपको बिटकॉइन बाय करना है तो आपके पास USDT होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आप बिटकॉइन नहीं बाय कर सकते किसी भी एक्सचेंज से, कर सकते हैं? आज मान लो बाइनांस से आपने बिटकॉइन बाय करना है तो पैसे के साथ कैसे करेंगे बताइए? पहले आपको USDT डालना पड़ेगा तभी आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से एम कॉइन बाय करना है तो पहले क्या डालना पड़ेगा आपको? USDT डालना पड़ेगा तभी आपको एम कॉइन मिल सकता है। एक कॉइन जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है, सिर्फ कम्युनिटी उसको यूज कर रही है, यूज करने के बाद इतनी डिमांड आई हुई है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है। क्या हो गई है? खत्म हो गई, ठीक है। और अभी का एक लेटेस्ट, क्योंकि अभी हमारी जो कंपनी के CEO है मिस्टर डेनिस सीओ अभी रोम गए हुए थे, रोम इटली, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ठीक है, स्टोरी भी लगी है,
तो वो वहां पर गए और वहां पर एक कंपनी है जो मेटावर्स के ऊपर काम कर रही है, उसने स्कोडा को एक शोरूम दिया अपनी उसके अंदर ना, अपनी मेटावर्स के अंदर। तो स्कोडा जो भी गाड़ी बनाएगी उनके शोरूम पे उसको सेल करेगी। स्कोडा कंपनी इंडिया में भी है। तो मिस्टर डेनिस ने उस कंपनी से पूछा कि स्कोडा ने अगर आपके साथ टाई अप किया है तो आपके साथ कम्युनिटी कितनी ज्यादा है। तो उन्होंने बताओ क्या नंबर्स बताए, आपको सुन के हंसी आ जाएगी। हमारे बीच में कुछ ऐसे लीडर है कि उन नंबर से ज्यादा उनकी टीमें हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो एक्टिव यूजर है वो सिर्फ 20,000 है। कितने? 20,000 यूजर उस कंपनी के पास है, ट्रैफिक है, और स्कोडा आके उस मेटावर्स कंपनी में अपना शोरूम बना रही है और गाड़ी बेचेगी। आज हमारे पास कितनी बड़ी कम्युनिटी है, 20,00,000 से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है। ठीक है, तो आप ये सोच के चलिए कि जब हमारी कंपनी इन प्रोडक्ट्स में कदम रखेगी तो क्या कोई कंपनी टिक पाएगी? कोई नहीं टिक पाएगी। आज हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ना, वो कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है। और जब जब हमारी तादाद बढ़ती रहेगी, हमारी कंपनी की ग्रोथ भी उतनी ज्यादा होती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। 1,00,00,000 लोग होने पे, मैंने आपको क्या बोला, अगर 1,00,00,000 लोग हो जाएंगे तो 10,000 पॉइंट भी किसी के पास नहीं रहेंगे। आज भाई साहब के पास पता कितने पॉइंट है? 35,00,000। कितने? 35-40,00,000 पॉइंट। लेकिन ये 35-40,00,000 वाले भी शायद मतलब 10,000 पे आ जाए, ठीक है, 50,000 पे आ जाए, 1,00,000 पे आ जाए। ये नहीं, नेचुरल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे ना बेचें कोई, कॉइन बिकेंगे। लेकिन अगर सब एक साथ बेचेंगे तो दिक्कत होगी। आज कसौली में हम 100 करोड़ का ये होटल बाय करने की बात कर रहे हैं। अगर हमें आस पास पता लगे कि वुड क्रीक भी बिक रहा है, विनीस भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे। यार ये सब बेच क्यों रहे, खरीदेगा कोई? कोई नहीं खरीदेगा। तो अगर नेचुरल वे में बाइंग सेलिंग होगी तो हर आदमी खरीदेगा। मान लो यहां कोई नहीं बिक रहा है, सिर्फ विनीस ही बिक रहा है, तो क्या होगा? यार ये अपॉर्चुनिटी, ऐसी जगह नहीं मिलने वाली। समझ गया? आज मैं ये बोलता हूं, लोग बोलते हैं यार हम मीथर में काम कर रहे हैं, एमकॉइन में काम कर रहे हैं। आपको पता है हमारा एमकॉइन कितना स्ट्रांग है? आप लोगों की बदौलत ही है। आज इतना स्ट्रांग है कि अगर आज हम सबको मिलकर 2,00,000 कॉइन खरीदने हो तो बेचने वाले हैं ही नहीं 2,00,000 कॉइन की बेचते। पता है आपको? एक्सचेंज पे अगर आप सेल ऑर्डर देखें तो 2,00,000 कॉइन के भी सेल ऑर्डर नहीं है। 2,00,000 कॉइन कितने के हुए आज की रेट में? $4,00,000 के। कितने के हैं? $4,00,000 के हैं। अब हम मिलके हफ्ते का इतना पैसा कमा रहे हैं जितने के कॉइन आज एक्सचेंज के ऊपर नहीं है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रॉन्गनेस है। क्या ये बात आप अपने किसी सामने वाले प्रोस्पेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं? आप कोई भी कॉइन उठा लो, उन कॉइनों में बिकने की लाइन लगी हुई है। हमारे पास बिकने वाले कॉइन ही नहीं, ठीक है ना? जबकि कम्युनिटी में कॉइन भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं, लोग कॉइन का विड्रो भी ले रहे हैं, ठीक है, लोगों के पास होल्डिंग भी अच्छी खासी है, लोग एमयूएसडी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। एमयूएसडी का ऑप्शन तो भी आया ना, लेकिन उससे पहले तो लोग कॉइन को ही विड्रो करते थे, ठीक है ना? अब जब कॉइन को विड्रो करते थे तो जाहिर सी बात है सेल भी करते थे और आईडी में भी यूज करते थे। ये अच्छा कर रहे हो आप। ये ना रोज वाटर लगा रहे हैं जिससे आपका जो रंग है वो निखर जाएगा, तो सभी लगवा। ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने मांगा कि भाई इधर लाइए रोज वाटर, ठीक है ना? तो ये आपको समझने की जरूरत है। अभी देखिए हमारे साथ जो है अच्छी अच्छी प्रोफाइल के लोग भी मीथर में आ रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल। मतलब ऐसी प्रोफाइल जो शायद कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस प्रोफाइल का आदमी भी मीथर में आ सकता है। लेकिन वो आदमी क्या समझते हैं? वो आदमी सिर्फ मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है, उनको आपकी ग्रोथ से मतलब नहीं है। आप बोलोगे जी बाय कर लो कॉइन, $100 का हो जाएगा, वो ऐसे नहीं बाय करने वाले। वो आपसे वैलिड रीजन पूछेंगे कि $100 का क्यों होगा। ये तो दुनिया बोलती है कि आज ये कॉइन खरीद लो इतने का हो जाएगा, तो नॉर्मल चीज है। हर आदमी बोलता है कि ये कॉइन बाय कर लो ये इतने का हो जाएगा, बोलते ना सभी लोग कि ये बाय कर लो इतने का हो जाएगा। लेकिन रीजन क्या है, लॉजिक्स क्या है कि ये कॉइन बढ़ेगा ही बढ़ेगा? तो उसका लॉजिक है कि हमारी जो कम्युनिटी है
वो डे बाय डे राइज करे। आपको पता है बड़े से बड़े कॉइन में 1 लाख लोग नहीं है, बड़े से बड़े कॉइन में हमारी कंपनी के अंदर अप्रैल मंथ में 1 लाख लोग जुड़े हैं। 1 लाख लोग, ये छोटी बात नहीं है, 1 लाख लोग आज आप कॉइन उठा लें, कोई भी कॉइन टॉप 10 के बाद किसी भी कॉइन को सर्च कर ले, 1 लाख होल्डर उस कॉइन के पास नहीं है। और वो कॉइन कहां बैठा है? फाइनेंस के ऊपर भी बैठा हुआ है, हर जगह बैठा हुआ है। लेकिन अब आपको लगता होगा यार हम कब आएंगे फाइनेंस के ऊपर, हम भी आ सकते हैं। हमारे पास 20 लाख लोगों की कम्युनिटी है, 20 लाख को छोड़ो, हम 120 लोग यहां बैठे हैं। हम 120 लोग में से कितने लोग हैं जो एक्टिव है? एक्टिव तो सारे हैं, कॉइन बाय करने में कितने एक्टिव? बहुत कम। सोशल मीडिया पे डेली स्टोरी वाले कितने हैं जो लाइक करते हैं शेयर करते हैं? बहुत कम, सिर्फ 10%। अब बाइनांस को क्या चाहिए? बाइनांस को चाहिए एक्टिव कम्युनिटी। अब आपके पास 20 लाख नंबर है उस पर यकीन नहीं करेगा बाइनांस, वो यकीन करेगा कि जो आपका ट्विटर अकाउंट है, जो आपका इंस्टा अकाउंट है, जो आपका टेलीग्राम अकाउंट है, वहां पर आपके साथ कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी इंगेज है। वहां पर कंपनी क्या बन जाती है? वीक पड़ जाती है। आप कंपनी आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, आप आओ 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 प्रमोट ही किया जा सकता है ना। अब हम लोगों में प्रमोट भी कर रहे हैं, आज हमारे पास 1000 से ज्यादा लीडर्स भी हैं। अगर वो 1000 लीडर सिर्फ 100 का टारगेट रखे तो 1 लाख लोग हो सकते हैं ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टा के ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहे। ये काम है बिल्कुल फ्री का, क्या इसमें पैसा लग रहा है किसी लीडर को? मैंने आपसे कमिटमेंट किया था मार्च महीने के अंदर कि आप 1 लाख लोग ट्विटर पे लेके आ जाइए, यही बोला था मैंने। तो मैं आपको ऐसी एक्सचेंज की न्यूज देने वाला हूं जो टॉप 3 में है। इसमें टॉप 3, ये छोटी बात नहीं है। आज तक कोई भी MLM का कॉइन टॉप 3 में नहीं आया, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने कॉइन को टॉप 3 में नहीं लेके आ गई। ऑलरेडी कंपनी की मीटिंग्स भी हुई, ठीक है, मीटिंग्स होने के बाद वो मीटिंग एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हम लोगों ने उस चीज पे काम ही नहीं किया। आज आप बोलते हैं हम बाइनांस पे कब आएंगे, हम बाइनांस पे अगले 2 महीने में भी आ सकते हैं। आप ले आइए 1 लाख लोग अगले 2 महीने, ठीक है। आज मैं आपको बता दूं हमारी कंपनी के अंदर रिसेंटली जो है बाइनांस में, ठीक है, एक कंट्री के एम्बेसडर है, ठीक है, तो ऑफिशियली वो इंगेज हुई है मीथर के साथ। अभी जब तक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता बाइनांस के साथ तो पब्लिकली वो नहीं अनाउंस कर सकती, लेकिन वो इंटरनली इंगेज हो चुकी है। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि सारा प्रोसेस, इसके लिस्टिंग का, इसके टेक्निकल पार्ट का, इसकी टोकोनॉमिक्स का, इसकी कॉइनॉमिक्स का, सारा मैं अपनी चीन पे, मतलब मैं अपनी उस पर लेती, ठीक है, और ये सारा कुछ मैं कराऊंगी, लेकिन मुझे आपकी कम्युनिटी का इंगेजमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो काम कौन करेगा? क्या वो भी वही करेगी आके? वो काम हमें करना है। मैं आपको बता दूं कि मीथर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, मीथर में काम करने वालों का जो नाम है वो भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट कर जाएंगे कि आने वाले 50 साल में भी शायद कोई कंपनी ब्रेक ना कर पाए। अभी तक कोई क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर 20 लाख लोगों की कम्युनिटी कोई डायरेक्ट सेलिंग वाली बना पाई है। आपको पता है बाइनांस कितना बड़ा नाम है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। बाइनांस की अभी न्यूज आई कनाडा की, अभी गुरपे जी क्या थी, शटडाउन हुई है कनाडा के अंदर, शटडाउन हुई है, तो बिटकॉइन $2000 हिल गया, मतलब बाइनांस इतना बड़ा नाम, ठीक है। तो अगर बाइनांस इतना बड़ा होने के बाद, आपको पता बाइनांस के होल्डर्स कितने हैं? एक्सचेंज के ऊपर तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं। 10 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़ से ज्यादा यूजर। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर कितने यूजर हैं? सिर्फ 30 लाख यूजर। कितने हैं? 30 लाख यूजर। तो दोस्तों 2 साल के अंदर ट्रेड बिट के ऊपर जितना आज बाइनांस के ऊपर यूजर है उतना ट्रेड बिट के ऊपर होगा, ठीक है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आज बाइनांस है उतनी स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगी? ट्रेड बिट हो जाएगी। आज अगर हम देखें तो बाइनांस की मेन इनकम एक तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से है पहली,
दूसरी है ब्लॉकचेन के साथ, यही है। तो आज हमारी कंपनी के पास हमारा भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, हम लोग यूज भी कर रहे हैं, पता नहीं कितनों से बेटर है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सबसे बेटर है, इंप्रूवमेंट हो रही है। अभी वर्जन 3 लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना, ट्रेड बिट का वर्जन 3 लॉन्च होने वाला है, जो आपका पूरा यूआई का एक्सपीरियंस, मतलब पूरा यूजर एक्सपीरियंस, पूरा यूजर इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब वाकई में एक कोई बड़ी चीज को एक्सप्लोर कर रहे, ठीक है ना। अब कंपनी के ऊपर काम कर रही है। इसी के साथ जो जनवरी में अनाउंस हुई थी मोबाइल एप्लीकेशन, कि ट्रेड बिट की मोबाइल एप्लीकेशन आएगी, लेकिन वो अभी तक लाइव नहीं की कंपनी ने, क्योंकि पहले कंपनी ने डिसीजन लिया था कि जो वर्जन 1 है उसी के साथ हम एप्लीकेशन दे देंगे, लेकिन फिर मिचुअलिन का डिसीजन हुआ कि जब हम वर्जन 3 लॉन्च करेंगे देन उसके बाद हम मोबाइल एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मोबाइल एप्लीकेशन में बार बार अपडेट आएगा, ठीक है, और बहुत सारे लोग अपडेट नहीं करेंगे तो उनको फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। तो कंपनी ने इसीलिए उस एप्लीकेशन को रोक के रखा कि हमें अपडेट कम देना पड़े, महीने में अगर एक बार भी देंगे तो चलता है। आज हम व्हाट्सएप यूज करते हैं अपडेट आता है, फोन पे यूज करते हैं अपडेट आता है, मोबाइल यूज करते हैं आईफोन उसका अपडेट आता है, महीने दो महीने में तो हम कर लेते हैं, अगर डेली अपडेट करना पड़े तो हम इरिटेट हो जाएंगे। तो ट्रेड बिट क्या है, ऑन गोइंग डेवलपमेंट है ट्रेड बिट के ऊपर। तो कंपनी ने क्या किया, वर्जन 3 लॉन्च करने के बाद आपके लिए जो है iOS के ऊपर भी और Android के ऊपर भी इसकी मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल होगी, और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ एडवांस फीचर, यूनिक फीचर्स जो शायद आपको जल्दी से टायर वन एक्सचेंज में किसी किसी एक्सचेंज के ऊपर मिले, वो आपको ट्रेड बिट के ऊपर मिलने वाला, ठीक है। वर्जन 3 आपका आज क्या है, 13th में ही है, ठीक है। तो इस मंथ एंड से पहले पहले आपको जो है वर्जन 3 का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद कंपनी जो है मोबाइल एप्लीकेशन को लाइव करेगी, मोबाइल एप्लीकेशन जब लाइव होगी तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसकी डेट में आपको भी कंफर्म नहीं कर सकता हूं, वो वर्जन 3 लाइव होने के बाद ही होगी, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कंप्लीट हो चुका है। आप बोले कब आएगी, ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन वर्जन 3 में जो कंपनी ने यूजर एक्सपीरियंस एड ऑन किया है, जो फंक्शनैलिटी एड ऑन की है वो आपकी हो जाएगी। अब मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं दो तीन चीजें। जैसे अभी हम बाइनांस यूज करते हैं तो हम फंडिंग वॉलेट के थ्रू आपस में फंड भेज पाते हैं दूसरे को बिना ट्रांजेक्शन फी के। तो वर्जन 3 के अंदर जो भी ट्रेड बिट यूजर होगा दूसरे ट्रेड बिट यूजर को उसके मोबाइल नंबर, उसकी ट्रेड बिट की यूआईडी और उसके ईमेल के थ्रू आपस में इंटरनल फंड ट्रांसफर कर पाएगा विदाउट जीरो फी, ठीक है, जीरो फी के साथ, जैसे हम एज वेल फाइनेंस में कर लेते हैं वैसा ही आप कर पाएंगे। दूसरा जो आपका फाइनेंस का पेज है अभी स्पोर्ट एंड उसका, उसको और बेटर किया गया है, आपने कितनी अर्निंग की है स्टेकिंग के साथ उसका आपका अर्निंग भी पता लगेगा। अभी क्या है स्टेकिंग वाला पेज अलग है, ठीक है ना, जब आप स्टेक करते हैं तो आपको ये तो पता लग रहा है मुझे इतने कॉइन्स आ रहे हैं, लेकिन आपने इस मंथ कितना प्रॉफिट स्टेकिंग से किया उसकी कोई डॉलर वैल्यू नहीं आ रही। लेकिन वर्जन 3 के अंदर आपकी डॉलर वैल्यू आएगी, मैंने 500,000 कॉइन लगाए हैं मुझे डेली के 205 कॉइन आ रहे हैं और एक महीने तक आए हैं, अगर कॉइन का रेट $3 हो गया तो वो क्या करेगा, $3 से मुझे मंथ में दिखाएगा कि एक मंथ में आपने $20,000 स्टेकिंग से अर्निंग की, जो भी नहीं पता था। तो किसी भी यूजर को जब आप ट्रेड बिट एक्सचेंज खोल के दिखाएंगे उसको आप बोलेंगे भाई साहब आपके पास कोटी, आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आपके पास बड़े बड़े बिजनेस है, मेरे पास एक छोटा बिजनेस है जो मेरे हाथ में है, मेरे फिंगर टिप्स पे, मेरे कंट्रोल में, ठीक है, और इससे मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूं। क्या दूसरे बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है? दूसरे बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ट्रेड बिट्स को कंपनी ने ऑलरेडी बहुत एडवांस कर दिया है, और ऐसा नहीं है फाइनल वर्जन, वर्जन एड ऑन होते रहेंगे, फिर वर्जन 4 आएगा, 5 आएगा, 2025 तक मीथर का जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप होता रहेगा। क्या होता रहेगा? 2025 तक। जो लोग मेरे साथ 2020 में आए थे
ये बात मैंने उनको बोली थी कि ये प्रोजेक्ट कम से कम जो आज हमें बताया जा रहा है बनने में 5 साल लगे। क्यों बलजिंदर जी ऐसे ही था या कुछ गलत बोला था मैंने? बलजिंदर जी मतलब उन शख्स में है जो पहले दिन से है हमारे साथ, ठीक है ना। तो जो पुराने चेहरे हैं, पुराने चेहरे को पता है कि मैंने एक बात बोली थी कि ये प्रोजेक्ट डेवलप होने में 5 साल लेगा। तो मेरे से लोग पूछते थे चलेगा कितने साल, मैं कह यार आइडिया लगा लो, जो प्रोजेक्ट 5 साल डेवलप होने में ले रहा है तो वो चलेगा कितने साल। अगर मैं उस टाइम पे बात बोलता कि ये प्रोजेक्ट कभी बंद ही नहीं होगा तो शायद उनको ना हजम ना होते, डाइजेस्ट ना होते। लेकिन आज अगर मैं आपको ये बात बोलूंगा कि ये प्रोजेक्ट कभी बंद ही नहीं होगा तो आपको ये बात समझ में आए, ठीक है, क्योंकि अब आपने इसके मैकेनिज्म को समझा है। आज आप मुझे बताइए कि हम सब आज कंपनी के ऊपर क्या प्रेशर, मित्र के ऊपर कोई प्रेशर है आज 20 लाख लोगों का, कल के दिन को 1 करोड़ लोग हो जाएंगे उसका कोई प्रेशर होगा? तो जब कंपनी के पास कोई प्रेशर ही नहीं है तो क्या वो बंद होगी? ये तो सुनियार बन गई, लेने में भी पैसा कमा रही और देने में भी पैसा कमा रही, मतलब ज्वेलर बन गई, सोने की दुकान है। जीवन गर्ग जी कह रहे आपा भी सुना रहे कि, क्या अच्छा आपका डायलॉग है, चलो बढ़िया। तो जब हम ज्वेलरी बाय करने जाते हैं तो हम ज्वेलर को क्या करते हैं, मेकिंग चार्जेस देते हैं, और जब हम ज्वेलरी बेचने चाहते हैं तो वो क्या करता है, मेकिंग चार्जेस काट के पैसा देता है जो गोल्ड का रेट चल रहा है। तो सुनार को बोला जाता है कि एक क्या बोलते हैं, 100 सुनार की और एक लोहार की, ये कहावत है। मतलब सुनार जो है वो हमेशा प्रॉफिट में रहने वाला है। तो मीथर क्या बन गई आज, मीथर बेसिकली सुनार बन गई, ठीक है। स्टार्टिंग में कंपनी को भी एफर्ट करने पड़े क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलप करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं स्टार्टिंग में, कोई भी चीज बिना चैलेंज के नहीं बनती। आज हम हिल एरिया में बैठे हैं, अगर यहां पर एक रूम बनाना है ना तो यहां रूम बनाना आसान नहीं है, यहां पर कॉस्टिंग प्लेन एरिया से 4 गुना ज्यादा आती है और डिफिकल्टीज अलग होती है, टाइम ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। तो ऐसा नहीं कि आज मीथर प्रोजेक्ट बन चुका है और आगे बन रहा है तो बनाना आसान है। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा अच्छा मीथर ऐसा प्रोजेक्ट तो मैं भी चला सकता हूं, ठीक है, ये कंपनी तो मैं भी बना सकता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की और अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखिए बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है, तो ये चीजें चलती रही। तो आज अगर एक करोड़ लोग हो जाए, अभी 20 लाख लोग हैं, तो आज हम इतना मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, जब 1 करोड़ लोग होंगे तो कितना फील करेंगे। आज इस कंपनी के ऊपर जितना भी पैसा जा रहा है, जो मुझे लगता है जगतार जी बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करते हैं, ये मुझे बार बार बोलते रहते हैं, कंपनी में तो सर पैसा कम ही जा रहा है। लेकिन अगर कंपनी में पैसा कम जा रहा है तो कंपनी से पैसा आ कहां रहा, वह तो जा ही रहा, आ तो है ही नहीं रहा। अगर मैं कह रहा हूं 100 रुपए में से अगर 1 रुपए भी कंपनी के पास जा रहा है तो जा ही रहा है ना, आने का तो गेट भी नहीं है, जाने का रास्ता बस आने का नहीं, वन वे, ठीक है ना। अब कंपनी इसको 2 वे बनाती है, वैसे कंपनी के पास 1 वे है, लेकिन कंपनी इसको 2 वे कैसे बनाती है, कंपनी क्या बोलती है कि जो भी फंड अगर मेरे तक पहुंच भी रहा है, ठीक है, एक्सचेंज पे जो ट्रेड हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है, या जो आप होल्डिंग कर रहे हैं उसकी वजह से अगर पहुंच भी रहा है तो उसके पैसे को मैं कहां इन्वेस्ट कर रही हूं, डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारे जो है वो यूजर हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमने ना डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज। अब क्या वो डिसेंट्रलाइज आसमान से उतरा, आसमान से उतरा वो, किसी ना किसी शख्स ने उस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को बनाया है। अब जब बनाया है तो उसका इंटरेस्ट भी होगा उस प्रोजेक्ट बनाने में। वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या करता है, जैसे 10,000 कॉइन बनाए, 1,000 कॉइन अपने रख लेगा, 9,000 छोड़ देगा मार्केट में। अब वो जब 9,000 मार्केट में जाएंगे तो जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो 1,000 कॉइन से उतना पैसा कमा लेगा जो शायद आप 9,000 कॉइन खरीद के ना बना पाए, ठीक है। तो अगर कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनता भी है और कोई बोलता भी है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बॉडी है, कोई ना कोई शख्स है जो उस प्रोजेक्ट को बनाता है। वो सब बस क्या करता है, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा कर देता है।
ऐसा नहीं कि उसको कोई चला नहीं रहा, उसको भी कोई ना कोई चला रहा है। बिटकॉइन नामक चीज किसी ने बनाई ना, सतोशी नाकामोटो, आज तक कोई मिला ही नहीं उससे। उससे वो समझदार था, उससे पता था कि भाई मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट बहुत हिट हो सकता है, तो उसने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखा। वरना आज क्या कर रहे होते हैं, अच्छा तूने बिटकॉइन बनाया, पहले तो निकाल जितने तूने अपने पास रखे वो निकाल। कोई भी बड़ी एजेंसी उसको पकड़ती और पकड़ने के बाद उसको रिकवर कर लेती। तो उसने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। जब ये पहले दिन बना, जैसे मेरे आप देखेंगे चंडीगढ़ में एक सावन ज्वेलर है, ठीक है ना, सेक्टर 35 में उनकी शॉप है। तो उनका बेटा अमेरिका रहता था, तो उससे मेरी डिस्कशन हुई, ठीक है, काफी देर डिस्कशन चली। तो उसने बिटकॉइन किस ईयर में खरीदा पता आपको, 2010 में। किस ईयर में खरीदा है, 2010 में उसने बिटकॉइन भी लिया और उसने 2010 में बैंक ऑफ अमेरिका का शेयर भी लिया। आज मुझे नहीं पता बैंक ऑफ अमेरिका का शेयर कितने का है, लेकिन उसने तब लिया, तब उसने बैंक ऑफ अमेरिका का शेयर लिया $4 में। कितने में? $4 में। और उसने 4000 बिटकॉइन लिए तकरीबन, मुझे लगता है $500 में। कितने? $500 में 4000 बिटकॉइन लिए। और वो बोल रहा था, जो लड़के मुझे बिटकॉइन के बारे में बता के गए, 3-4 लड़कों का ग्रुप था, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया, प्रेजेंट किया इसको कि फ्यूचर में इसकी क्या ग्रोथ हो सकती है। तो मैंने 4000 बिटकॉइन खरीद लिए थे और बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर खरीद लिए थे। फिर वो मूव कर गया था इंडिया, ठीक है, 2015 में वो इंडिया आया। इंडिया आने के बाद 2017 में उसने उन सारे बिटकॉइन को सेल कर दिए, ठीक है, सारे बिटकॉइन को। क्योंकि जिस आदमी ने सेंट्स में बिटकॉइन खरीदा हो और उसको वैल्यू ज्यादा मिल रही हो, तो वो क्या करेगा, वो बेचेगा। आप में से भी लोग एमकॉइन को बेचेंगे। आपको ऐसा लगेगा यार इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा, आज तक कोई बढ़ा ही नहीं, अब तो गिरेगा ही गिरेगा। तो उसको भी ऐसा लगा कि भाई मैंने सेंट्स में बिटकॉइन खरीदा, आज डॉलर वैल्यू पहुंच गई, तो मैं क्या करता हूं, इसको सेल कर देता हूं। तो उसने बिटकॉइन को सेल किया, सेल करने के बाद पैसा पॉकेट कर लिया। ये मैं आपको चीज क्यों बता रहा हूं, ऐसे भी टेस्टिमोनियल है, चंडीगढ़ में ऐसे भी लोग हैं जिनका बिटकॉइन का विंटेज अकाउंट है। विंटेज पता किसको बोलते हैं, जो बिटकॉइन के पहले 100 अकाउंट है, पुराना, सबसे पहले के 100 बिटकॉइन कौन से क्रिएट हुए हैं, उन 100 बिटकॉइन के अकाउंट जो पहले 100 है उनको बोला जाता है विंटेज अकाउंट। अब अगर बोला जाए उसकी भी वैल्यू है विंटेज अकाउंट की, आज हकीम बादशाह बोले कि मैं ना क्रिप्टो में 2010 से हूं, अब इनके पास क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं। लेकिन अब विंटेज अकाउंट वाला प्रूफ बन जाता है। तो लोगों ने विंटेज अकाउंट को भी करोड़ों में बेचा है, उसमें कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ, कोई बिटकॉइन नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ एड्रेस को भी बहुत महंगा बेचा, क्योंकि वो एड्रेस उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये आदमी क्रिप्टो में 2009-2010 से है। समझ रहे हैं? अब ये चीजें आपने कभी सुनी नहीं होगी, ये आपको चीजें कभी पता ही नहीं होगी। तो क्रिप्टो के अंदर मीथर में आने के बाद जो भी आपको पता लगा है ना, वो लगा है 0.00001%। कितना पता लगा है? 0.00001%। अभी आपको अपनी नॉलेज को 1% करने के लिए भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए ग्लोबली क्रिप्टो के ना एग्जीबिशंस लगती हैं, ग्लोबली दुबई भी लगती है, मलेशिया में भी लगती है, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, इंडोनेशिया, हांगकांग, हर कंट्रीज में, जहां पर इंडियन यूजर को वीजा ऑन अराइवल है या हम वीजा इजीली ले सकते हैं, हम वहां पर जा सकते हैं। तो मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आप क्रिप्टो की स्ट्रेंथ को समझना चाहते हैं, आने वाले मेटावर्स, एनएफटी प्लेटफॉर्म या जो आगे आने वाला, अगर आप उसको समझना चाहते हैं, तो आपको ना एग्जीबिशंस को अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। आप एग्जीबिशंस अटेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किस वर्ल्ड में हैं और हम किस वर्ल्ड में जाने वाले हैं और हम क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अभी हमें ये पता लगा कि एक एनएफटी 500 करोड़ की भी बिक रही है, 5000 करोड़ की भी बिक रही है। आप एक नया बिजनेस आ गया एनएफटी के अंदर, पता है एनएफटी के अंदर एक बिजनेस आ गया जो 500 करोड़ की एनएफटी बिकी है, उस एनएफटी के अगेंस्ट क्या बन गए, शेयर बन गए।
अगर 500 लोग एक एक करोड़ रुपए मिलके उस एनएफटी को बाय करना चाहते हैं तो आज की डेट में किया जा सकता है। ये वेब थ्री ने ऑप्शन दिया है, पता आपको वेब थ्री ने ऑप्शन दिया है कि उस 500 करोड़ की एनएफटी को 500 लोग मिलके खरीद सकते हैं। इसी तरीके से बहुत जल्दी मैं आपको गुड न्यूज देने वाला हूं, जो हमारी M20 ब्लॉकचेन है, M20 ब्लॉकचेन का जो काम है फाइनली वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएगा और इसको पब्लिकली लाइव कर दिया जाएगा, ठीक है। जून के बाद दुनिया का लग्जरी का जो दूसरा नाम जिस कंट्री को बोला जाता है वो कौन सी कंट्री है? दुबई, ठीक है। पाम जुमेरा के ऊपर सबसे महंगा विला है, सबसे महंगा विला पाम जुमेरा के ऊपर। उसके बाद अगर दाएं बाएं जाएंगे तो भी विला जो है वो बहुत महंगा है, मतलब ऑन एवरेज एक विला जो है दुबई के अंदर कोस्ट करता है 100 करोड़। अच्छा विला कितनी कोस्ट करता है? 100 करोड़। तो हमारी ब्लॉकचेन आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाली है, 100 करोड़ रुपए हमारी कंपनी इन्वेस्ट करेगी उस विला के अंदर मीटर, और उसके जो राइट्स होंगे उसको बाय कर लेगी, मतलब विला बाय हो गया। अब उस विला को कंपनी डालेगी ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, M20 ब्लॉकचेन के ऊपर। आज आपको बताएगी कि इस विला का जो ROI है वो है 30 पैसे। कितनी है? 30 पैसे है, और ग्रोथ भी हो रही है क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टी ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि आप अनवांटेड जगह पता नहीं गांव में जंगल की जमीन खरीद रहे हो, ठीक है, पड़ोस में किसी ने दुकान बता दी वो खरीद रहे हो, ठीक है ना, किसी पब्लिकली आप जाके बता सकते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं बता सकते हो। तो हमारी कंपनी अभी आपको M20 ब्लॉकचेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बास को आना नहीं अपनी आदतों से। तो हमारी कंपनी क्या करने वाली है कि जो दुबई में 100 करोड़ का विला है वो 100 करोड़ के विले के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर आपको ओनरशिप ऑथेंटिक मिले, मतलब आप उसको अपना मालिक मान सकते हैं। अगर आपने वहां इन्वेस्ट किया, मान लो 100 करोड़ का विला है, हम 100 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए लगाया तो हम कितने के पार्टनर हो गए? हम 1% के उस विला में पार्टनर हो गए। तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने दुबई के विला के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और मुझे ये रेंट आ रहा है। वो रेंट कैसे आएगा? वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू ही आएगा। जो भी आप वहां पर रेंट आपको मिलेगा वो भी वाया ब्लॉकचेन मिलेगा और इन M-Coin मिलेगा। अब इससे क्या होगा? एक तो ब्लॉकचेन का यूज केस बढ़ गया, ये तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो प्रॉपर्टी कंपनी ने जो बाय की है 100 करोड़ की, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में दुबई में वो प्रॉपर्टी कितनी की हो जाएगी? कम से कम 1,000 करोड़ की हो जाएगी या 500 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी पैसे वाले हैं वो सारा पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई सबसे सेफेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो M20 ब्लॉकचेन आपको ऑप्शन देने वाला है कि आप, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया दुबई का, जब आप वहां पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर कंपनी ने डिस्क्राइब किया होगा कि इस जगह की ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है, और वहां पर आप उस प्रॉपर्टी को ऑनलाइन जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं दुबई गवर्नमेंट से भी, ठीक है। अगर कंपनी बोलती है लंदन में, सेंट्रल लंदन के अंदर मेरे पास ये पड़ा हुआ है फ्लैट और इसकी 5 मिलियन पाउंड की कीमत है, तो उस फ्लैट को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक वे में कंपनी आपको ऑनरशिप देने वाली है, वो भी किसके ऊपर? M20 ब्लॉकचेन के ऊपर। अभी तक हम लोग M20 ब्लॉकचेन को क्या समझ रहे हैं? सिर्फ M-Coin की ट्रांजेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं, ऐसे ही कि M20 ब्लॉकचेन का प्लेटफॉर्म है, इस पे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कंपनी को पैसा क्या जा रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन फी बच रही है वो कंपनी को जा रहा है। लेकिन अभी करंट में हमारी कंपनी ने जो भी डेवलपमेंट की है, जो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, सर्टिक का ऑडिट इसके ऊपर आ जाएगा, इन सारी चीजों में जो अब कंपनी का ब्लॉकचेन बन गया है, तो वो दिन दूर नहीं जब M20 ब्लॉकचेन टॉप 5 या टॉप 3 या टॉप 1 पे बैठी होगी यूज के। आपको पता है ये ना पॉसिबल है सारा कुछ, ये मैं कोई मतलब आपको खुश करने वाली बात नहीं कर रहा हूं, आपको मोटिवेट करने वाली।
मैटिक कॉइन मैंने 2018 में बाय किया मैटिक, ठीक है, और एक बिटकॉइन में कितने मैटिक आते थे पता है? 1 करोड़। कितने? और उस टाइम पे एक बिटकॉइन की कीमत थी तकरीबन 4 से 5 हजार डॉलर। तो एक मैटिक कितने का हुआ? अगर 1 करोड़ आ रहे हैं तो शायद मुझे लग रहा है 0.04 का हुआ, 0.010, हाँ कुछ ऐसे हुआ। अब आज हम नाम लेते हैं उस कॉइन का पॉलीगन के नाम से, कॉइन का नाम मैटिक ही है लेकिन कंपनी बन गई है पॉलीगन। जो कॉइन 2018 में शुरू हुआ आज कितने सालों में भी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, 5 साल के अंदर उसका जो यूज केस है ब्लॉकचेन का वो टॉप 3 में आ चुका है। इथेरियम और बाइनांस के बाद ट्रोन अब पीछे जा चुका है। ट्रोन से ज्यादा अगर कोई ब्लॉकचेन अब यूज की जा रही है, चाहे वो एमएलएम वाले यूज कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल वाले यूज कर रहे हैं, वो कौन सी कर रहे हैं? पॉलीगन कर रहे हैं। पॉलीगन जो है मैटिक ब्लॉकचेन। अब जिस कॉइन को 1 करोड़ कॉइन को 2018 में मैंने सिर्फ एक बिटकॉइन में खरीदा, आज वो कितने का है गिरी से गिरी मार्केट में भी? $1 सर, अभी भी वो 88 सेंट 90 सेंट का चल रहा है। अगर उस टाइम पे वो 1 करोड़ कॉइन खरीद के सिर्फ रखे होते और मैं उस लालच में ना था कि इतना बढ़ गया अब तो 10 बिटकॉइन हो गए अब बेचो, तो आज कितने बिटकॉइन होते? 1 करोड़ कॉइन और आज $1, तो वो कन्वर्ट हो चुका होता तकरीबन 90 करोड़ के अंदर। मतलब मेरे $5,000 कितने में कन्वर्ट हो गए होते 5 साल में? 90 करोड़। क्या आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है कि आपके $5,000 90 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए और जहां पर आपको कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ राइट टाइम पे इन्वेस्ट करके वेट करना पड़े और होल्ड करना पड़े, कोई बिजनेस नहीं। ये सिर्फ एक क्रिप्टो का बिजनेस। अब क्रिप्टो के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज आ गई है, मेटावर्स, एनएफटी, ठीक है, जो गेम्स आ रही है, मेटावर्स की गेम्स आ रही है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ प्रॉपर्टी में होती है, गोल्ड में होती है, या जो आपके यार दोस्त बिजनेस कर रहे हैं उसमें होती है, उसके अलावा आपको क्या लगता है कहीं और इन्वेस्टमेंट होती है? क्योंकि हम जब से पैदा हुए और जब से बड़े हुए हम सिर्फ इन्हीं फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज जो सही मायने में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो आदमी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है। जिन लोगों ने रियल एस्टेट या गोल्ड या कहीं भी इन्वेस्ट किया उनको ग्रोथ नहीं मिल रही जो ग्रोथ मिलनी चाहिए। लोगों को 10-10 साल हो चुके हैं जीरकपुर में प्रॉपर्टी बाय किए हुए, डबल नहीं हो रहा पैसा 10 साल। इधर लोगों को 2 साल नहीं हुए, कितने गुना कर लिया पैसा? 40 गुना पैसा कर लिया। जगतार जी ने हमसे ज्यादा कर लिया क्योंकि उन्होंने 2.5 सेंट का कॉइन लिया, ठीक है ना। तो कहने का पर्पस क्या है कि आप जिस प्रोजेक्ट में बैठे ना यहां पर सिर्फ बातें नहीं है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे दूसरे प्रोजेक्ट है बाइनांस का हो, इथेरियम का हो, ठीक है, पॉलीगन का हो, सेम आपकी ब्लॉकचेन वैसे ही बिल्ड हो रही। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, फील्ड में आते हैं लोग आपसे पूछते हैं आप अपनी ब्लॉकचेन दिखाओ, आप क्या करते हैं एक्सप्लोरर खोल के दिखा देते हैं। वो ब्लॉकचेन नहीं है, वो जस्ट एक इंडेक्सिंग साइट है जहां पर ब्लॉकचेन पे होने वाली ट्रांजेक्शन दिख रही। अगर किसी ने ब्लॉकचेन को वेरीफाई करना है तो वो गिटहब के सोर्स कोड पे जाएगा, ठीक है। और ब्लॉकचेन को कौन वेरीफाई कर सकता है? सिर्फ एक डेवलपर, क्यों अमृतपाल जी? या हमारे जैसा आदमी वेरीफाई कर सकता है? हमें तो पता ही नहीं क्या लिखा हुआ। सिर्फ जो डेवलपमेंट जानता है एक डेवलपर ही वेरीफाई कर सकता है, और वेरीफाई भी कौन कर सकता है? जिसने ब्लॉकचेन पे काम किया हो, ठीक है ना। गिटहब के ऊपर सोर्स कोड, जब आप वो देखते ना एक मैसेज सर्कुलेट होता है आपके नंबर पे जहां पर वो लिखा हुआ है आरपीसी डिटेल लिखी हुई है, बाइनांस की डिटेल लिखी हुई, उसी में नीचे एक सोर्स कोड का ऑप्शन है। जब आप उस सोर्स कोड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो कहां लेके जाएगा? वो लेके जाएगा आपको गिटहब के ऊपर, और उस गिटहब के ऊपर जाके आप उस कोड को डाउनलोड करके पूरी ब्लॉकचेन का कोड जो है वो रिव्यू किया जा सकता है। हम लोग यही अटक जाते हैं कि हमारी ब्लॉकचेन कहां है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी अभी जो जून मंथ में जो सबसे बड़ा अपग्रेड आ रहा है ब्लॉकचेन के अंदर, जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, आप अपने नाम का कॉइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने नाम की एनएफटी बना सकते हैं, आप अपना ई कॉमर्स पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर,
जितने भी हमारे ऊपर ब्लॉकचेन के यूजर होंगे उनको नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप उनको नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। जितने भी हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर होंगे आप उनको एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं। मतलब इतने सारे ऑप्शंस आपको ब्लॉकचेन पे मिलने वाले हैं जो शायद अभी तक आपने ना तो सुने होंगे, ठीक है, ना ही वो समझने की आपने कभी कोशिश की होगी, क्योंकि जो बेसिक्स हैं हम बेसिक्स को भी नहीं समझ पा रहे। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है कि हमारे बीच में हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर डेनिस सिंह जो है वो आने वाले हैं, यानी आने वाले कसोरी में मतलब ऑनलाइन कॉल पे आने वाले हैं, ठीक है, क्या बात, अभी तो बड़े एक्साइटेड हैं, कॉल पे आने वाले हैं। साथ में जो हमारी कंपनी की सीटीओ है लुइसा गब्रोवा, जो लोग ग्लोबल ब्लॉकचेन सबमिट में गए थे दुबई, उन्होंने उनको तकरीबन 45 मिनट सुना है, ठीक है ना, लुइसा गब्रोवा को। तो लुइसा गब्रोवा आपको ब्लॉकचेन के बारे में, ये तो मैं जितनी नॉलेज रखता हूं अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने बताया, लेकिन वो टेक्निकल क्या स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट है वो उस पर आपको बात करने वाली है लुइसा गब्रोवा, ठीक है। साथ में मिस्टर डेनिस होंगे और एक उन्होंने रिकमेंडेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वे में करनी है, क्योंकि जिन एक्सचेंजेस पे हमारी कंपनी जा रही है वो एक्सचेंजेस बड़ी कंफ्यूज हो रही है। क्यों कंफ्यूज हो रही है? क्योंकि मीथर और एमकॉइन के नाम से आप लोगों ने इतने पेजेस बना रखे हैं कि जब वो कंपनी रिव्यू करती है एक्सचेंज तो उसको यही नहीं पता चलता कि ओरिजिनल कौन सा है। अब इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उनका जो रिव्यू है वो रिव्यू कंप्लीट ही नहीं हो पाता और वो प्रोजेक्ट पेंडिंग में चला जाता। तो आज वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन देंगे आपको कि आप अपने उन सारे पेजेस को डिलीट करें या नाम को बिल्कुल चेंज करें। जो अगले एक वीक या टू वीक में नहीं करेगा उसको लीगल नोटिस भेजेगी कंपनी। लीगल नोटिस के बाद में नहीं करेगा तो फिर लीगल प्रोसेस उसके अगेंस्ट शुरू हो जाए, फिर मीथर में जो उसका अकाउंट होगा वो भी जाएगा उस शख्स का, क्योंकि पता तो लगेगा, ठीक है, उसको डिटेल देगी कंपनी। जब वो लीगल फॉर्मेट में चलेगी तो जो भी आपने फेसबुक यूट्यूब पे कुछ भी आपने बना रखा होगा तो आपकी सारी डिटेल जो है मीथर के साथ शेयर करेगा, यूट्यूब भी और फेसबुक भी। तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले उन पेजेस को खत्म करना है। आपने प्रमोशन करना है आप अपने नाम से करें ना, ओनली वन वे टू सक्सेस, कुछ भी नाम बना ले, ठीक है, कुछ भी जो भी आप नाम बनाना चाहते हैं उस नाम के थ्रू आप अपना पेजेस बनाएं और अपनी कम्युनिटी को एंगेज करें, कंपनी का नाम यूज ना करें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अभी हमारी कंपनी जो है मीथर और नेक्सराइज, ये दो नाम आपने बहुत सुने हैं, ठीक है, अब हमारी जो कंपनी है वो मीथर, नेक्सराइज अभी लास्ट 6 मंथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया था कि अपनी कम्युनिटी के लिए हम इसका क्रिप्टो प्रोजेक्ट प्रमोट करेंगे, किसका, मीथर का, और उनकी कम्युनिटी मीथर में आई भी, एनकॉइन भी उन्होंने बाय किया, लेकिन हमारे वाले बैक ऑफिस पे वो नहीं आए, उन्होंने अपने ही बैक ऑफिस के ऊपर उसको बाय किया। तो हमारी मैनेजमेंट, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होती है, जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, हम देखते हैं ग्रुप के अंदर भी लोग चैट करते हैं मेरा बैक ऑफिस नहीं खुल रहा, जबकि ऐसा नहीं, हमारे तो सबके अकाउंट खुल रहे हैं, सारी चीजें स्मूथ चल रही, लेकिन कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि मेरा नहीं खुल रहा। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एमकॉइन का नाम यूज करके लोगों को स्टेकिंग ऑफर भी कर रहे हैं, बाद में उनको कुछ नहीं मिलता और वो वेबसाइट बंद हो जाती है। जिस किस तरीके से, जैसे आज ट्रोन और पॉलीगन के नाम पे कितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन क्या पॉलीगन या ट्रोन को पता है कि कौन से प्रोजेक्ट बन रहे हैं? ऐसे ही एमकॉइन के नाम पे भी बहुत सारे कॉइन बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसी बात हो ऐसी रेपुटेशन तो नहीं बना सकते, लेकिन वो एमकॉइन को ही दिखा के अपने प्रोजेक्ट को सेल कर रहे हैं। तो हमारी मीथर मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि कंपनी किसी भी कंपनी के साथ ना तो कोई ज्वाइंट वेंचर रन करेगी, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर रन नहीं होगा। इसीलिए कंपनी ने नेक्सराइज मैनेजमेंट को भी इंटीमेट कर दिया है कि अगर आप आना चाहते हैं तो जो हमारा बैक ऑफिस है, हमारे बैक ऑफिस के ऊपर आप डायरेक्टली आएंगे तो उनकी कम्युनिटी के लोग डायरेक्टली आ भी रहे हैं, लेकिन इसी बिटवीन शायद उनमें से 3 फाउंडर है वो, जैसे असद अली है वो थोड़े टेक्निकल है, तो उन्होंने अपनी इटालियन कम्युनिटी के लिए अपने प्रोजेक्ट को बनाया भी है। और आपको पता है क्रिप्टो के अंदर प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं बनता है, तो बनने में कम से कम 3 साल लगेंगे,
ठीक है। अब उनको जो डिसीजन लगा उन्होंने लिया अपने लिए, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने स्ट्रिक्टली इसके ऊपर डिसीजन लिया है कि कोई भी ज्वाइंट वेंचर मीथर पब्लिकली अब रन नहीं करेगी जिससे बाकी लोग उसका मिसयूज ना करें, क्योंकि रेपुटेशन किसकी, खत्म हो रही है, मीथर की रेपुटेशन खत्म हो रही है, एम कॉइन पे इंपैक्ट आ रहा है। तो अब आगे से कोई भी आदमी सिर्फ मीथर को प्रमोट करेगा, मीथर के साथ किसी कंपनी का और नाम यूज नहीं करेगा, ठीक है। ओनली मीथर को आप प्रमोट करेंगे, जैसे अभी हम लोग मीथर नेक्सराइज बोलते थे, क्योंकि उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम लीड कर सकते हैं, लीडरशिप अच्छी है, बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर सिर्फ आदमी बोलने में अच्छा हो वो काम ना करे तो क्या वो आपके किसी काम का है, ठीक है। आप उसको कितने दिन अपने साथ चला के रखेंगे, आपके साथ एक लीडर आपका पार्टनर बना हो, वो प्लान बहुत अच्छा करता हो लेकिन क्लोजिंग आप ज्यादा करते हो तो आप उसके साथ पार्टनरशिप रखेंगे अपने, आप बोलेंगे यार इसको तो मैं फ्री में दे रहा हूं पैसा, ठीक है, या वो अपना भी प्लान कर रहा हो और दूसरी कंपनी का भी प्लान कर रहा हो, आप तब भी नहीं रखेंगे उसको, जो डेडिकेटेड होगा उसको रखेंगे अपने साथ। तो इन सारे चैलेंज की वजह से कंपनी ने, अगर कोई भी अब कॉन्टेक्ट कर रहा है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आ रहे हैं तो वहां पर कंपनी स्पेशली लिख रही है जिस वेबसाइट के ऊपर आपने रजिस्टर किया वहां पर कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि मीथर के साथ ना पहले दिन कोई इशू था ना आज कोई इशू, और इन सभी इंटरप्शन की वजह से जो आपकी विड्रॉवल बार बार पाउज होती है, इन सभी इंटरप्शन की वजह भी है, दूसरा टेक्निकल इशू भी है, जैसे वेबसाइट काफी टाइम से स्लो रही है, स्लो क्यों रही है, क्योंकि कोई भी चीजें देखिए टेक्निकल चैलेंज आ सकता है, व्हाट्सएप कितनी बड़ी चीज है, व्हाट्सएप के बिना गुजारा नहीं होता, लेकिन व्हाट्सएप भी पूरे एक एक दिन बंद रहता रहा है ना बीच में, एक एक दिन कोई मैसेज नहीं जा रहा, कितनी बड़ी टीम उनके पास, हजारों लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद भी वो अपने बग को फिक्स नहीं कर पा रहे, और हमारा तो प्रोसेस ऐसा है जहां पर फाइनेंस जुड़ा हुआ है, तो कंपनी स्टेट में कुछ बंद करके ठीक नहीं कर सकती, चलते चलते ठीक करना। अब आप देख रहे होंगे अब आपकी स्पीड भी अच्छी है, ठीक है, नया बैक ऑफिस ऑलरेडी बन चुका है, जब आप खोलेंगे www.meetherworld.com तो वहीं पर लिखा हुआ है बीटा वर्जन लिखा हुआ है, कई लोगों ने अपने यूजर नेम डाल के फॉरगेट पासवर्ड भी किया होगा, तो आपके पास लिंक भी आया होगा, उससे पता लगता है कि आपका डाटा फेच हो रहा है, लेकिन सबका भी नहीं हुआ है, वो अभी बैक ऑफिस टेस्टिंग पर्पज में है। जब तक पुराने वाला डाटा नए वाले में एक्यूरेट फिक्स नहीं हो जाएगा, जब तक वहां पर आपके लॉगिन स्टार्ट नहीं होंगे, और जब वो फिक्स होगा तो हमारी कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी। अभी कई लोगों ने क्या कर दिया, वहां पर केवाईसी भी कर दी, और लोग ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं 7 दिन हो गए हमारी केवाईसी अप्रूव नहीं हुई, जल्दबाजी है ना लोगों को, कोई ट्रेन छूट ना जाए, तो नए बैक ऑफिस के ऊपर लोग केवाईसी भी कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियली अभी तक अनाउंसमेंट कोई आई नहीं। तो अब मोस्टली जितनी भी अनाउंसमेंट आपको आएगी वो आपके ईमेल आईडी के ऊपर आएगी, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, या सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आएगी। मैंने भी अब अनाउंसमेंट को धीरे धीरे कम करना, क्योंकि आप लोगों को क्या लग रहा है, टाइम सेंस से तो मैं पता लग ही जाता है क्या चल रहा है, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब आप सोशल मीडिया अकाउंट में जुड़ेंगे या अपनी ईमेल को चेक करेंगे जब आपके पास ईमेल आएगी। हम 120 लोग हैं, अगर 120 लोग आज इंस्टा की स्टोरी को हम शेयर करें तो कितने लोग देखेंगे, बहुत से, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं हमें पता ही सर, 4-5 से कुछ नहीं होता, 120 लोग तो करने चाहिए जितने इस हॉल में बैठे हैं, और कम से कम आप जाने के बाद डिसीजन लें कि मेरी टीम से मैं 100 लोगों को इसी काम पे लगाऊंगा कि ट्विटर का पेज फॉलो करना है, इंस्टाग्राम की स्टोरी को शेयर करना है, हर सोशल मीडिया पे फेसबुक पे लाइव करना है, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर कमेंट करना है, ठीक है, वॉच लिस्टिंग, कितने काम है हमारी कम्युनिटी के। अगर हम अपने सही काम करने पे आ जाते हैं तो आपको पता है प्रोजेक्ट कहां चला जाएगा, ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, नेक्स्ट लेवल। और अगर मार्केट में कोई भी पूछेगा ना किसी क्रिप्टो ट्रेडर से या क्रिप्टो जानकार से कि यार किस कॉइन में लगाना चाहिए, तो उसके नाम पे सिर्फ एक ही नाम, उसकी जुबान पे एक ही नाम आएगा, वो क्या नाम होगा, एम कॉइन। होता है ऐसा, आज अगर किसी क्रिप्टो जानकार से पूछा जाए कि किस कॉइन में लगाना चाहिए, तो उसने जिस कॉइन के बारे में पढ़ा होगा ना वो सिर्फ उसी की रिकमेंडेशन देगा,
ऐसे ही होता है। वो ये नहीं बताएगा कि आप इसमें चले जाओ, वो बोलेगा यार मैंने इसकी स्टडी की, आप इस कॉइन को बाय कर सकते हो। और ऐसे ही माउथ पब्लिसिटी में मैक्सिमम कॉइन बाय होते हैं। अगर आपने एम कॉइन को इतना नेक्स्ट लेवल पे अगर हम लोग अपनी इंगेजमेंट के साथ ले गए, तो इस वर्ल्ड के पास क्रिप्टो के अंदर सिर्फ एक ही कॉइन होगा बाय करने के लिए, होगा एम कॉइन। हमारे हमारे इकलौते जी की टीम ने, कटिहार से सुभाष जी की टीम है, एक आदमी है उसका पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम है सर उसका जो बोलता है बीट कॉइन, नीलू, नीलू है, पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर की भी तैयारी उसने की है। अब वो जब पहली बार मुझे मिला, मैं इकलौते जी के साथ वहां पर गया कटिहार, तो उसने बोला सर आपको पता है मुझे क्रिप्टो का कब पता लगा था, बहुत साल पहले एक शख्स आया और उसने मुझे किसके बारे में बताया, बिटकॉइन, किसके बारे में, बिटकॉइन, बिटकॉइन नहीं बिटकॉइन। तो आज मैं समझ सकता हूं कि एमकॉइन कितनी बड़ी चीज है, शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं, शुरुआती दिनों की। लेकिन उस शख्स की मुझे बात आज याद आती है कि जब एमकॉइन की स्टार्टिंग थी और बिटकॉइन को बिटकॉइन कह रहा था, लेकिन आज मुझे उसकी बात में एक चीज कनेक्ट करता हूं मैं कि एमकॉइन अब कैपेबल हो रहा है कि वो बिटकॉइन को बिटकॉइन कर दे, ठीक है, कि एमकॉइन जो है वो बिटकॉइन को भी बीट कर सकता है, और ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। आप सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए कि अगर आज 10 करोड़ लोग मीथर में हो जाए, क्या आज तक किसी कंपनी में जुड़े लोग 10 करोड़ है? सर एमवे का भी अगर ग्राफ उठा के देखेंगे ना तो 10 करोड़ लोग नहीं होंगे एमवे के साथ वर्ल्ड वाइड। 10 करोड़ बहुत बड़ा साइज होता है, और जिस तरीके से हमारी ग्रोथ चल रही है, 1 लाख लोग एक महीने में, तो 10 लाख लोग भी एक महीने में आएंगे। सर 1 लाख लोग एक महीने में आ रहे हैं, ये डाटा मैं आपको ओरिजिनल दे सकता हूँ, ये वर्डिंग से नहीं है, ये तो आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा कि आपके नीचे 10,000 लोगों की टीम 2-2 हफ्ते में बढ़ी है, तो पूरी कंपनी में 1 लाख लोग तो आए होंगे ना, बिल्कुल। अगर यही डाटा 6 महीने के बाद 1,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 करोड़ लोग पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर 2025, आज आप मेरे से नोट डाउन कर ले, 120 लोग जो आप बैठे हैं ना, अगर आप ईमानदारी के साथ इस कंपनी में बने रहे, बने रहना, मैं काम करने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, बने रहे ईमानदारी के साथ, क्योंकि जो लॉयल्टी है ना वो खरीदी नहीं जा सकती, ठीक है, वो कहीं से गेन नहीं की जा सकती, लॉयल्टी ना अपने अंदर होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना संस्कार माँ बाप से मिलते हैं, संस्कार आदमी सीख नहीं सकता, दूसरों से सिर्फ आदत सीख सकता है, संस्कार नहीं सीख सकता। तो ऐसे ही जो लॉयल्टी है ना, वो लॉयल्टी आपके अंदर मौजूद होती है ऑटोमेटिकली। अब उस लॉयल्टी के ऊपर अगर डस्ट बैठी है, तो उस डस्ट को आपने साफ करना है, ठीक है, उस लॉयल्टी को आपने इंप्रूव करना है। अगर आप लोग लॉयल रहे 120 लोग, और 120 लोग सिर्फ 100 लोगों को लॉयल रखते हैं, तो कितने बन जाते हैं, 12,000 लोग, ठीक है, 10,000 लोग बन जाते हैं। अगर 10,000 लोग, मैं मानता हूं, अगर मान लो मेरी जो सोच है मीथर को लेके या एमकॉइन प्रोजेक्ट को लेके, अगर 10,000 लोग मेरी तरह सोचना शुरू कर दें, तो सर आज 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 का दिन है 13 मई, जी ठीक है, अगर ये 10,000 लोग मेरी सोच के अगले 6 महीने में मिल जाए, तो एम कॉइन के प्राइस की गारंटी $100 में ले रहा, गारंटी ले रहा हूं $100। लेकिन उस 10,000 आदमी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं जितनी भी इनकम करूंगा मीथर से, उसका 50% में क्या करूंगा, एम कॉइन बाय करूंगा एक्सचेंज के ऊपर। सर आज और अभी डिसीजन है, तो इसका तो आज और अभी, ठीक है ना, ये आपका खुद से कमिटमेंट होना चाहिए, ना तो मैं देखना चाहता हूं। जब 120 लोग इस कमिटमेंट पे आ जाएंगे, तो उसका रिजल्ट मार्केट में अपने आप पता लग जाए। जो आज 50,000 लाख कॉइन दिख भी रहे हैं ना, जब वो मुझे दिखने बंद हो जाएंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जो 120 लोग कसौली के अंदर बैठे थे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मैं आपसे नहीं पूछूंगा किसने कितना बाय किया, कोई कम भी बाय करेगा, कोई ज्यादा भी बाय करेगा,
अगर सेलिंग ऑर्डर की बिड नहीं दिखेगी किसी एक्सचेंज पे, तो समझ लो हमने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है, हमने अपनी पावर को पहचान लिया और हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यस सर, लोग आपको याद रखेंगे। एक बुक मिली थी ग्लोबल ब्लॉकचेन सबमिट में, लिगेसी, ठीक है ना। लिगेसी का मतलब क्या है? लेट्स क्या है सर? लेट्स एंजॉय एंड सेलिब्रेट एवरी जनरेशन आफ्टर यू। लिगेसी का मतलब ये है, ठीक है। हम बोलते हैं ना लेगेसी, मतलब बहुत सारे आजकल हम सेलिब्रिटी की बात कर ले, बहुत सारे ऑप्शन में ये वर्ड, मतलब इवेंट में कॉन्सर्ट में इस वर्ड को यूज करते हैं। तो ये जो लेगेसी है, अगर आप मीथर में सही तरीके से बने रहे, मैं कह रहा हूं 2025 तक भी अगर आप बने रहे ना, तो ये जो लेगेसी वर्ड है ना, ये आपके नाम के आगे लगना शुरू हो जाएगा। कहते ना उस बापू को औलाद बहुत याद करती है जो औलाद के लिए बहुत कुछ करके गया, करती है ना। और जाहिर सी बात है दादा को भी याद करती है। तो मीथर आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रही है कि मीथर में अगर आज आपने 1,00,000 कॉइन अगले एक साल में खरीद के अपने वॉलेट में छोड़ दिया और उसकी प्राइवेट की या उसके सीड्स आपने अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कि भाई तीन बच्चे हैं तो तीनों में चार चार सीड्स दे दिए, कि जब तीनों की सहमति होगी तो सीड्स मैच कर लेना और 1,00,000 कॉइन निकाल, ठीक है ना। तो 1,00,000 कॉइन जब वो 2 साल के बाद बेचेंगे तो आपको पता वो कितना पैसा बन सकता है, कितना पैसा, वो 100 करोड़ भी हो सकता है, वो 1,000 करोड़ भी हो सकता है, और ये पॉसिबल है कि वो 10,000 करोड़ भी हो सकता है। आपका बच्चा आपको इस सूरत में कभी याद नहीं रखेगा कि आपने उसको बढ़िया कपड़े पहनाए, बढ़िया खिलाया, बढ़िया गाड़ी में घुमाया। वो सिर्फ आपको इसलिए याद रखेगा कि आप उसको देखे क्या जा रहे, समझ रहे, ठीक है। ये तो वो क्या बोलेगा, ये तो यार इसका काम है, इसने मुझे पैदा किया तो बढ़िया खिलाएगा भी, बढ़िया पढ़ाएगा भी, बढ़िया घुमाएगा, ये तो काम है ना, ये तो माँ बाप का काम है, फिर पैदा क्यों किया। आजकल बच्चे पूछते हैं ना, जब पालना ही नहीं था अच्छे से तो पैदा क्यों किया। मैं कह थोड़ी रहता क्यों डिस्टर्ब किया मुझे, अपने एंजॉयमेंट में आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। होता ना, तो औलाद औलाद के पास मतलब माँ बाप ना वर्ड ही नहीं बोल पाता कि इसको मैं क्या आंसर दूं, उसके पास ना जवाब ही नहीं बोलने की, क्या मैं इसको कैसे समझाऊं, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ अपनी औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा जितने एम कॉइन बाय करके होल्ड करके रख सकते हैं, जो शख्स 2030 तक रख लेगा उसकी तो बराबरी मुझे लगता है कि इलोन मस्क से ना हो जाए। ये बात मैं एम कॉइन पे नहीं कह रहा हूं, एक आर्टिकल मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था बाइनांस के ओनर सी जेड का। देखिए ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत बारीकी से समझा, ठीक है। जितनी नॉलेज आज वो रखते हैं शायद हम में से कोई ना रखता, हम सब पूरी कम्युनिटी में मिलाकर नॉलेज सी जेड के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। सी जेड का क्या कहना था कि एक वक्त ऐसा आएगा इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन, उसका भी अपना कॉइन है लेकिन उसने बिटकॉइन भी क्यों एग्जांपल दिया, कि एक वक्त ऐसा आएगा इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन कि जिस शख्स के पास एक बिटकॉइन होगा वो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में शुमार होगा। अब आप सोच रहे होंगे एक बिटकॉइन और वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में शुमार हो रहा हूं, आज वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग कौन है? अंबानी, अडानी, ठीक है, इलोन मस्क, वॉरेन बफेट, ठीक है, और एक ये अमेज़न का जो ओनर है क्या नाम है इसका, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस, ठीक है, जेक मा, ये नाम है वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग जिनको हम नाम जानते हैं। जैसे नाम आज इनके शुमार हो रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसके पास एक बिटकॉइन होगा आप लोगों का भी शुमार ऐसे हो सकता है जैसे आज जेक मा को लोग जानते हैं, इलोन मस्क को जानते हैं, ये फैक्ट है। अब ये बात उसने क्यों बोली, अब इसकी गहराइयों में जाइए कि एक बिटकॉइन इसका मतलब किसी के पास बचेगा ही, मतलब हर आदमी बेच देगा, समझ रहे हैं। जब लोग मुझे बहुत अच्छे से याद है 2015 में जब हमारा पे आउट आता था तो 100 बिटकॉइन का पे आउट आता था हफ्ते का, 100 बिटकॉइन आ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे कोई बोलता था अच्छा यार चल 2 बिटकॉइन लेने बात खत्म कर, ठीक है।
तो मतलब कोई वही नहीं थी। एक एक मान लो कुछ मैंने चंडीगढ़ में बाय किया तो उसमें तकरीबन 250 बिटकॉइन सेल करके वो कन्वर्ट कर दिए, वो उसका देखने का भी मन नहीं करता, मैंने नाम तक नहीं कराया उसको, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट नाम हो रखा है लेकिन रजिस्ट्री आज तक नहीं कराई इस प्रॉपर्टी की, क्योंकि वो 250 बिटकॉइन तकलीफ दे देंगे यार, क्या क्या गलत डिसीजन लिया। तो उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, ज्यादा नहीं थी हमारी दोस्तों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि उस टाइम पे लोग बिटकॉइन की परवाह नहीं करते थे, लेकिन आज लोग सतोशी की भी परवाह करते हैं। एक बिटकॉइन में कितनी सतोशी है, 10 करोड़, यही तो गलती करते हैं। एक एनकॉइन के अंदर कितने सतोशी है, 10 करोड़। हर कॉइन के अंदर जो भी माइनेबल कॉइन है उसमें 10 करोड़ सतोशी होते हैं। आज बिटकॉइन का ऐसा मुकाम आ चुका है कि लोग सतोशी से डील करते हैं, क्योंकि किसी की अब हैसियत नहीं रही है कि वो सीधा एक बाय कर ले, वो सीधा 10 सेंट बाय कर ले, वो सीधा 1 सेंट बाय कर ले, वो क्या करता है, सतोशी बाय करता है। यार मुझे ना 10 लाख सतोशी दे दो, मुझे 1 करोड़ सतोशी दे दो, तो 1 करोड़ सतोशी भी कितने के हुए आज, 2.5-3 लाख रुपए के हो गए। 1 लाख सतोशी कितने हो गए, 25,000 के हो गए। 10,000 सतोशी कितने के हो गए, 2500 के हो गए, समझ रहे। अब ऐसे सतोशी की कीमत निकालने में आएंगे तो 1 सतोशी कितने का होगा, ठीक है ना। तो आने वाले वक्त में हर कॉइन को लोग क्या करेंगे, सतोशी के साथ डील करेंगे, जो ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे बिटकॉइन के साथ करें। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो आप जिस एम कॉइन की होल्डिंग कर रहे हैं उसकी सप्लाई है टोटल कितनी, 50 करोड़, मतलब 500 मिलियन, 50 करोड़ सप्लाई और 10 करोड़ यूजर। तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि एक आदमी के हिस्से में कितने कॉइन आ रहे हैं, 5 कॉइन आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं आदमी भी बटेंगे, कंपनी भी तो रखेगी अपने पास, 10% तो कंपनी के पास है, मतलब 50 करोड़ में से 45 करोड़ ही पब्लिकली जाएगा। उस 45 में से भी टीम और ये वो सब मिला के, मतलब पब्लिक में जो कॉइन जाने वाला है वो जाने वाला है 64%। तो 50 करोड़ का 64% कितना हो, तकरीबन हम कह ले 35 करोड़ कॉइन मार्केट में जाएगा। अगर 10 करोड़ लोगों में 35 करोड़ कॉइन को बांटा जाए तो एक आदमी के हिस्से में कितना कॉइन आ रहा है, 3.5 कॉइन। अब 3.5 कॉइन वाला आदमी अपनी वर्थ लगा ले कितनी होगी। जब ये चीज पॉसिबल हो गई कि 3.5 कॉइन एक आदमी के हिस्से में आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कॉइन की कीमत कितनी होगी, $1,00,000 से कम, $1,00,000 प्लस। आप ये देखिए ना, जब डिमांड बढ़ती हो और सप्लाई कम हो तो क्या होता है, बुल रन, रेट बढ़ता ही बढ़ता है। कोरोना के अंदर जिस मास्क को कोई फ्री में बाय नहीं करता था, जिस सैनिटाइजर को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, जब डिमांड बढ़ी तो मास्क का रेट कहां पहुंच गया, 500 रुपए। जिसकी कीमत 5 रुपए थी उसकी कीमत कहां पहुंच गई, 500 रुपए तक भी पहुंच गई, ठीक है। तो डिमांड इतनी बड़ी चीज है और सप्लाई ना हो तो रेट अपने आप बढ़ा देती है। अब हमारी सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकती, ये तो सप्लाई फिक्स है कि 50 करोड़ से ज्यादा सप्लाई एम कॉइन की बढ़ी नहीं सकती, घट सकती है, बढ़ नहीं सकती, ठीक है। अब जब बढ़ नहीं सकती तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा फिर, रेट बढ़ेगा। जब सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। अब रेट के अंदर आप ये आइडिया लगा ले, मुझे लगता है जो मेरा अपना मानना है, जो मेरा तजुर्बा कहता है पिछले 10-12 साल का क्रिप्टो का, कि अगर 10 करोड़ लोग हो जाए और 50 करोड़ कॉइन उनमें बांटने हो तो एक एम कॉइन की कीमत कम से कम $10,000 क्रॉस कर देगी, $10,000। और मैंने आपको बताया 10 करोड़ लोग जुड़ने में कितना टाइम लगेगा, आप बताइए। आज हम मान लो 25 लाख हैं, 25 लाख से 10 करोड़ बनने में कितना टाइम लगेगा, 2025 तक तो मान सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 करोड़ हम इस साल एंड तक हो जाएंगे। अब 1 करोड़ इस साल एंड तक हो जाएंगे तो 2024 भी पड़ा है और 2025 भी पड़ा है। अब 1 करोड़ से 10 करोड़ मुझे लगता है 2024 नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी 2025 लेके चल रहा हूं। तो जो आज आप एमकॉइन बाय कर रहे हैं अपनी इनकम का, वो आपका 2025 में कितने के बिकने वाला है, $2 का कॉइन, $10,000 का बिकने वाला। आज आप
आपको लगता होगा कि यार आज जगतार जी को भी लगता है कभी कभी कि मैं आज 35 लाख कॉइन बेचने आऊं तो खरीदेगा कौन? ठीक है, क्योंकि इतने तो बायर अभी खड़े नहीं है, इतने तो बाइंग ऑर्डर लगे नहीं हुए। लेकिन एक साल के बाद अगर जगतार जी 35 लाख नहीं 3.5 करोड़ कॉइन भी बेचने आएंगे तो बायर उससे ज्यादा लेने के लिए खड़ा होगा। और दो साल के बाद ये पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब हमने मीथर में जर्नी शुरू की तो कॉइन का जो वॉल्यूम है वो कम था, फिर एक साल के बाद बढ़ा, आज और बढ़ गया, अगले साल और बढ़ जाएगा। और जब 2025 एक्सपेक्टेड है कि जब हमारा कॉइन बाइनांस के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा तो इसका जो वॉल्यूम है करंट में वो चल रहा होगा $100 बिलियन पर डे। कितना? ये कम से कम एक्सपेक्टेड करा बता रहा हूं मैं, $100 बिलियन पर डे। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब हम एक चीज को फॉलो करेंगे, बाय एंड होल्ड। किस चीज को? बाय एंड होल्ड। जैसे कोरोना के अंदर चाहे कोई सेलिब्रिटी हो चाहे गवर्नमेंट हो, रिंग टोन स्टार बजती को क्या बोलते थे? बोलते थे कोरोना की पूरी डिस्क्रिप्शन देते थे। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलने से बचे, मास्क का प्रयोग करें, छीके तो मतलब छीके तो किस तरीके से छीकना है, ये सारा कुछ। हर आदमी आपके घर में अगर कोई आ भी रहा मिलने तो वो भी सलाह देके जा रहा है आपको ऐसे करना है कोरोना काल। हर जगह एक ही मैसेज था ना, कोरोना से कैसे बचे, कोरोना से कैसे बचे। तो अगर हम सब लोग मिलके प्रण कर लेंगे, इरादा कर लेंगे, ठीक है ना, अपनी जिद बना लेंगे कि हमने बाय एंड होल्ड ये दो चीज प्रमोट करनी है। अगर 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लाख लोग भी अपनी आवाज को एक जैसा कर ले बाय एंड होल्ड, तो मैं सही बता रहा हूं, जो रेट आज आप $2 देख रहे हैं इसके पीछे बहुत जल्दी 0 लग जाए। क्या हो जाएगा? $20। आपको ऐसे ही नहीं बोला जाता कि बाय एंड होल्ड की तरफ चलना है। देखिए, जिस वक्त में क्रिप्टो स्टार्ट हुई उस टाइम पे लोग अवेयर नहीं थे क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। 2015 तक बिटकॉइन को भी अपनी जगह लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। 2009 से 2015 तक बिटकॉइन पे ट्रस्ट नहीं होता था 9 साल, ठीक है ना, 9 साल नहीं 6 साल, 6 साल पूरे लगे जहां पर उसको दुनिया भर के नेगेटिव आर्टिकल अगर आज भी गूगल कर लोगे तो बिटकॉइन को लेके बहुत सारे बड़े से बड़े जो अपने आप को सक्सेसफुल लोग मानते हैं उन्होंने भी स्पीच दे रखी कि ये बेकार चीज है, ठीक है, ये खत्म होने वाली चीज है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आज दुनिया का जो सबसे कामयाब आदमी है इलोन मस्क, उसकी कंपनी की अगर 2% की जो भी शेयर होल्डिंग है वो कहां जाती है? वो क्रिप्टो में जाती है, वो बिटकॉइन में जाती है और दूसरे कॉइन्स में भी जाती है। आपने देखा होगा पीछे इलोन मस्क ने मीम कॉइन्स को बहुत प्रमोट किया अपने सोशल मीडिया के ऊपर। अब वो डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, समझदार के लिए सारे काफी होता है, तो कभी उसने बेबी डोजी को प्रमोट कर दिया, कभी उसने, कितनी बड़ी प्रोफाइल का आदमी है, क्या उसको जरूरत है कोई डोगी की फोटो लगाने की? लेकिन क्रिप्टो उससे भी बड़ी चीज है कि क्रिप्टो ने उसको भी इंसिस्ट कर दिया कि वो ट्वीट करे। इससे पहले होता था जॉन मैकेफी, अगर आप 2017 और 2015 के बीच की बात करें तो एंटीवायरस की कंपनी है, ठीक है, क्या नाम है सर उसका? मैकेफी नाम है ना, जॉन मैकेफी उसका ओनर है। जॉन मैकेफी सबसे ज्यादा ट्वीट डालता था क्रिप्टो को लेकर और उसकी एक ट्वीट पे रातों रात मिलियंस ट्रिलियंस की कॉइन की बाइंग आ जाती। कौन सा? जॉन मैकेफी का, मतलब मैकेफी एंटीवायरस का ओनर। और इस लास्ट ईयर वाले बुल रन में हमने किसको देखा है? इलोन मस्क को देखा है। अब ये जो नेक्स्ट बुल रन आ रहा है इसमें कहीं मुझे ऐसा ना लगे कि जॉन बाइडेन ही ट्वीट करने लगे, जॉन बाइडेन ही ट्वीट कर रहा है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। देखिए कम्युनिटी की बहुत बड़ी पावर है। हम हर मूवीज में देखते हैं अपनी हिंदी सिनेमा, वहां पर पॉलिटिक्स का और वो दिखाया जाता है कि अगर आज जनता डिसीजन ले ले तो जनता जनार्दन, ऐसे बोला जाता है, जनता जनार्दन, ठीक है। आपके सबके म्यूचुअल के डिसीजन में बहुत बड़ी पावर है और क्रिप्टो के अंदर भी ये बात बोली जा रही है कि अगर हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन बना देंगे तो यहां पर भी बहुत बड़ी पावर, ठीक है। ये बेसिक्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अभी हम एडवांस पॉइंट्स पर भी आएंगे,
ये बेसिक्स हैं जो आपको करने हैं। आप अपने आप को लीडर बोलते हैं, लेकिन आपकी जीवन शैली कैसी है, आपका प्लान प्रेजेंट करने का तरीका कैसे है, क्या आप अपने बारे में बता रहे हैं। अब आप मुझे बता रहे हैं कि 10,000 कॉइन खरीद लो, क्या आपने खरीद के अपने वॉलेट में रखे हुए हैं। आप मुझे बता रहे हैं इन्फिनिटी पैक ले लो, क्या इन्फिनिटी पैक आपने लेके रखा हुआ है। जिस काम को आपने खुद नहीं किया, आप मुझे इंसिस्ट कर रहे हो उसको करने के लिए, तो पहले तो आप खुद करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूं कि स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं, सभी का हाथ खड़ा हो जाए, हैं? लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जिससे जिंदा ही जा सके आदमी, नहीं हो सकता। उसके लिए कंडीशन है कि पहले आपको मरना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग में जा सकते, ठीक है। उससे पहले आप कभी जा ही नहीं सकते। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी शख्सियत है, जो आपकी लीडरशिप है, अगर वो इनहांस हो, आप आज 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 10 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ इस अमाउंट में आप बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो 100 करोड़ 1000 करोड़ में कन्वर्ट हो, 1000 करोड़ का जो जिसका सपना है वो 10000 करोड़ में कन्वर्ट हो, जिसका 10 करोड़ का सपना है वो 100 करोड़ में कन्वर्ट हो, जिसका 1 करोड़ का सपना है वो 100 करोड़ में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए आपको पहले खुद कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो अभी लाइफ है, उस लाइफ से आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको एक अच्छी लीडरशिप के साथ चलना पड़ेगा। लास्ट टू डेज में धीरज चौहान जी ने आपको क्या बताया, आपने जो सेल्फ असेसमेंट किया, एवोल्यूशन किया, उसमें कोई बात आपको समझ में आई? Yes. कुछ चेंज समझ में आया आपको? Yes. ठीक है। लोग बोलते हैं कि जो विजेता है, कहावत है ना, हम भी यूज करते हैं कि जो विजेता है वो काम वही करते हैं जो सब करते हैं, लेकिन बस उनके काम करने का तरीका अलग होता है, ये तो है। आप अलग, मीथर क्या है, मीथर भी कॉइन चला रही है, दूसरी कंपनियां भी कॉइन चला रही है, मीथर की भी ब्लॉकचेन है, दूसरी की भी ब्लॉकचेन है, मीथर में भी ज्वाइनिंग प्लान है, दूसरे में भी ज्वाइनिंग प्लान है, इधर भी एलडीपी हो रही है, दूसरी भी एलडीपी हो रही है, लेकिन ऐसा क्या है कि मीथर ग्रो कर रहा है डे बाय डे, मीथर स्ट्रांग हो रहा है, दूसरी कंपनियां स्ट्रांग नहीं, वो पहले ही स्ट्रांग होने से पहले जा चुकी है। अभी मैं रविंदर जी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर ये कंपनी ने 40 इवेंट किए एक साल में, कितने, 40 इवेंट, अभी उनका इंडिया में एक भी इवेंट नहीं हो रहा, एक रिजोर्ट में लास्ट ईयर 40 इवेंट किए और अब इंडिया में भी एक इवेंट नहीं हो रहा, तो ऐसा भी पॉसिबल है ना कुछ भी, यस, ठीक है ना। तो हमारी कंपनी का जो काम करने का तरीका है ना, वो विनर्स की तरह है, ये विनर्स की तरह काम कर रहे हैं और विनर्स क्रिएट कर रहे हैं। आज अगर हम देखें, आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी मार्केट का प्लान उठा लो, ठीक है, आप टेक्निकली मुझसे बात कर लो, तो जितना स्ट्रॉन्ग आज मीथर का प्रोजेक्ट है, उतना स्ट्रॉन्ग कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है मार्केट में, कोई भी नहीं, ठीक है। और आज जिस तरीके से, जितनी खूबसूरती के साथ आज मीथर चल रहा, उतनी खूबसूरती से अभी तक कोई प्लान 3 साल तक चला भी नहीं। प्लान चलते हैं लेकिन कंडीशन प्लान चेंज हो गया जी, प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गई, ठीक है, प्लान में जी अब पुराने वालों को पैसा ही नहीं देना है, ठीक है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं इस स्टेट के लोगों को पैसा नहीं देना है, होता है ना कि एक कंपनी चल रही है, एक स्टेट में पैसा नहीं दे रही, दूसरी स्टेट में दे रही, तो यहां पर एक तो कंपनी हर आदमी को एक जैसा देखती है, मेरा अकाउंट है मेरे पे भी वही लिमिट लगी होगी, तो आपके अकाउंट पे जो $90 का है ना, उसके साथ भी वही चीज हो रही होगी, ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी, ठीक है, जो इस कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा होगा हमारी कंपनी वो डिसीजन ले। अभी बहुत सारे लोग थे जो पैनिक हो रहे थे 2x की बात, कि कंपनी 2x के बाद विड्रॉ नहीं करने दे रही, ठीक है, 2x लोगों का मैक्सिमम कंप्लीट हुआ है जनवरी के अंदर, ऐसे ही yes. अभी क्या चल रहा है मई, ठीक है, तो 4 महीने ऊपर गए जिनका 2x कंप्लीट हुआ है, 4 महीने पूरे हुए उनके, ऑलरेडी वो आदमी हमारी कंपनी से क्या ले चुका है, डबल पैसा ले चुका है, जो उसने पैकेज लगाया था डायरेक्ट अपनी कमीशन भी ली होगी उसने, तो एक तरीके से वो 2.5 गुना पैसा लेके बैठा हुआ है। अब वो 2.5 गुना लेने के बाद आपको बार बार इंसिस्ट कर रहा है मुझे और पैसा लेना, और पैसा लेना, और पैसा लेना। कई लीडर्स इस बात के प्रेशर में भी है, क्योंकि वो क्या बोलता है, वो धमकी देता है
कि अगर मेरा पैसा नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा, मैं लोकल थाने में जाके कंप्लेन करूंगा, मैं साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन करूंगा, ऐसी ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो आदमी ढाई गुना लेके बैठा वो क्या स्टेटमेंट देगा थाने में जाके, क्या स्टेटमेंट देगा, मैंने एक कंपनी में 1,00,000 रुपए लगाया, मुझे 2,50,000 रुपए मिल गया, अब ये कंपनी मुझे बाकी पैसा नहीं दे रही और इस शख्स ने लगवाया तो वो पुलिस वाला क्या बोले है? वो बोलेगा खोदिए दे पुत्र तू साइड में हट, वो बोलेगा भाई मुझे पता है प्लान कैसा है, ठीक है ना। कई बार हम अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस बना लेते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारी कंपनी के अंदर टेक्निकली हमारी कंपनी जितनी स्ट्रोंग है भाई, यहां लोग ऐसी थोड़ी काम कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच वाले, ईडी वाले, पॉलिटिशियंस, ठीक है, हर तरह का आदमी मिथर में काम कर रहा है, तो वो बेवकूफ है क्या? जो लोग डेली स्कैम के केस रिजोल्व कर रहे हैं वो मिथर के अंदर लाखों डॉलर का बिजनेस डाल रहे हैं, तो क्या वो बिना पढ़े आ गए? नो, वो पढ़ के ही आए ना। लेकिन एक लीडर जिसे लगता है कि मैं पुलिस वाले को भी नहीं जोड़ सकता, वो धमकी दे देता है नीचे वाला कि मैं ये कर दूंगा। पहली बात आप अपने अपने दिमाग में बिठा लो, कोई भी पर्सन लीगली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी पर्सन लीगली नहीं जा सकता। पहली बात तो अगर मैं कंप्लेन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, मैं जाके आज कंप्लेन करता हूं अभिषेक जी की कि अभिषेक जी ने मेरा 10,00,000 रुपए लगवाया है, ठीक है, और मेरा पैसा डूब गया है। तो एक सिंपल प्रोसेस होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो थाने वाला हो, इवन चाहे कोई पंचायत में भी हो, वो क्या करेगा, वो सामने वाले को फोन करेगा कि भाई साहब आपके नाम पे ऐसे ऐसे कंप्लेन आई है, ठीक है। कंप्लेन आने के बाद वो इनको बुलाएंगे, क्योंकि अभी क्या सुना उन्होंने, एक पक्ष को सुना है उसने जो बोला। अब दूसरी तरफ से आप जाने से पहले ही डर जाते हैं, अरे यार तो फोन आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है कि वो आप मुझे ना वापस भेजेंगे नहीं, वो उल्टा आपसे ज्यादा डर रहा होता। पता है ये जितने भी सिविल के केसेस हैं, ये क्या केस हुआ, ये सिविल का हुआ। सिविल के केस कभी भी पुलिस, ईडी, साइबर क्राइम कभी सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात आप हमेशा याद रखना, और ना ही वो जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। अब होगा क्या, अभिषेक जी ऑफिस जाते हैं, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में जहां मैं कंप्लेन करता हूं, ये जाने के बाद इनसे पूछते हैं कि भाई ऐसे से ये तायुस है नाम का शख्स आया है, आपने इनके साथ ठगी मारी, 10,00,000 रुपए आपने किसी कंपनी में लगवा दिए इनके, ठीक है, अब ये क्या प्लान करेंगे, क्या वहां पर बयान करेंगे, ठीक है, अब इनकी एक रिटर्न स्टेटमेंट लेगा, क्या आप यहां पर बयान करो। पहली बात तो ये कोई कंपनी के ओनर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये कोई सर्टिफाइड एजेंट नहीं है, कोई इंश्योरेंस के एजेंट नहीं है जो इनके कोर्ट से वो पॉलिसी हुई होगी। जिस तरीके से उस शख्स ने 10,00,000 रुपए लगाया वैसे ही इन्होंने लगाया, ठीक है, इन्होंने जाहिर सी बात है उसके साथ कोई जबरदस्ती की नहीं होगी, ठीक है। तीसरी बात, वो जो उसने 10,00,000 रुपए लगाया होगा, क्या वो इनको पैसा तो नहीं दिया होगा उसने? बहुत सारे केसेस में आपने पैसा लिया भी होगा अपने अकाउंट के अंदर, अगर पैसा लिया भी है तब भी वो आदमी आपको कुछ नहीं कर सकता। आप उसको बोल सकते हैं कि इसने सिर्फ मुझे यूज किया इस कंपनी के अंदर पैसा डालने के लिए, क्योंकि इसको नॉलेज नहीं थी, मुझे नॉलेज थी, तो इसने के पैसे से मैंने क्या किया इस कंपनी में, इसके मैंने मतलब यूएसडीटी बाय कर लिए या मैंने एक्सचेंजेस का कॉइन बाय करके दिया। अब कोई भी शख्स जो चल के जा रहा है उसके पास हिस्ट्री तो होगी कॉइन बाय करने की, सेल करने की या कुछ भी करने की, तो वो आप उसको खोल के दिखा देंगे या प्रिंट आउट देते हैं। अब जब आप अपनी स्टेटमेंट वापस दे के आएंगे, ठीक है ना, वापस आने के बाद मुझे नहीं लगता सेकंड कॉल आपको कभी आएगी, वो जस्ट आपको बुला सकते हैं आपकी स्टेटमेंट के लिए, और जो तीसरा यूजर है उससे सवाल करेगी पुलिस। अच्छा अब आप ये बताइए, जो ये 10,00,000 रुपए आपने क्लेम किया है कि मैंने 10,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ये 10,00,000 रुपए आपके पास कहां से आया? समझ रहे हैं? अब उसे पता लग गया कि सामने वाला तो मुझे डिस्क्राइब करके डिटेल में कुछ नहीं हो सकता, अब वो जो यूजर कंप्लेन देकर आया उससे पूछा जाएगा कि ये जो 10,00,000 रुपए आपने लगाया था आप मुझे बताइए इसकी सोर्स क्या था, ये पेमेंट आपके पास कहां से आई है, ठीक है। अब उसने तो कैश दिया 10,00,000 या अकाउंट से दिया है,
अब वो अपनी आईटीआर भरता हुआ तो कितने की भरता हुआ इनकम होगा। अब ऐसे केसेस में कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, क्या रिजल्ट आता है? जीरो, जीरो आता है। आप मुझे बताइए इंडिया से इतनी कंपनी बंद हुई आज तक आपको एक आदमी मिला जिसमें उसने बोला हूं मुझे पैसा वापस मिला गवर्नमेंट से? फ्यूचर मेकर इतना बड़ा नाम, बैंक से ट्रांजेक्शन हो रही है, एक आदमी किसी को पैसा मिला हो? अब वो जेल से छूट भी गया बाबा बन गया हो, बाबा जी बन गए हो, अब वो बोल वचन करते हैं लोगों, ठीक है, लेकिन क्या किसी को पैसा मिला? उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, गोल्डन फॉरेस्ट हमारी चंडीगढ़ की कंपनी, ठीक है, दुनिया भर की लैंड अंबाला जाते हुए जब आप देखोगे एक मूर्ति दिखती थी ना शिव की, अगर आप गए हो तो वो सारी लैंड गोल्डन फॉरेस्ट की है, पूरे इंडिया में काम चला है गोल्डन फॉरेस्ट का, एक भी आदमी को पैसा वापस नहीं मिला, एक भी आदमी को ऑनर जेल में मर गया। मेरा कहने का क्या मतलब है, कोई भी अगर आज तक इंडिया में स्कैम हुआ है तो गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन किसी भी यूजर को नहीं दे पाई, जस्ट उनका एक प्रोसेस है, ये ना एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर मैं ऐसे भी उठ के चला जाऊंगा ना तो मैं किसी भी नाम पे कंप्लेंट देके आ सकता हूं, उसका कोई पैरामीटर्स नहीं बना हुआ चेक करने का कि मैं ओरिजिनल दे रहा हूं या मैं डुप्लीकेट दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात, जब आप काम करते हैं, मान लो आज मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो मेरे एक्सीडेंट होने के भी तो चांस है नहीं है? बिल्कुल। तो इसी तरीके से जब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने के बाद आपको किसी भी तरह का आदमी टक्कर सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कॉल नहीं आती किसी की? हमें बहुत तरह की कॉल आती है लेकिन हम तो तवज्जो ही नहीं करते, लोग घबरा जाते हैं कि यार अच्छा अब तो ये एक्शन ले लेगा, ये आएगा वो आएगा। हमें पता है एक आदमी कितना कुछ कर सकता है, उससे क्या डैमेज हो सकता है, ठीक है, ये पब्लिक है। 3 महीने पहले क्या हुआ वो भूल जाते हैं, अपने ही साथ अगर उनके साथ कुछ हुआ हो ना तो उसको ही भूल जाते, होता नहीं होता ऐसा? बिल्कुल। तो कोई भी चीज आपके बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं डाल सकती फॉर टाइम बीइंग, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है लेकिन कब, जब आपके पास नॉलेज नहीं आंसर करने। आज अगर आपके पास आंसर करना आता है, आपको पता है कि मुझे सामने वाले को क्या बताना है, तो वो आपसे सेटिस्फाइड होगा और आपको बाइज्जत अपने घर वापस भेजेगा, दोबारा कभी फोन भी नहीं करेगा। ये उन केस में बता रहा हूं जिन केस में कंपनियां बंद हो जाती, और हमारे वाले केस में क्या है, कभी कंपनी बंद नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उसको बोलना है, क्लैरिटी जरूर देनी है अपने यूजर को। क्लैरिटी क्या देनी है कि ये आप जो आज एम कॉइन होल्ड कर रहे हैं मेरे साथ, इस एम कॉइन का प्राइस जो है वो वेरिएशन में जा सकता है। अगर हम सब लोग बाय करते रहेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सब लोग बेचना चाहेंगे तो प्राइस नीचे भी आ सकता है। उसको एग्जाम्पल दे, पॉजिटिव एग्जाम्पल, ये नहीं नेगेटिव करें, भाई डूब भी सकता है, डूबने के चांसेस बन सकते हैं। जो पैदा हुआ है आदमी, भले वो चाहे जितना भी हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन हार्ट अटैक कब आ जाए पता है? कभी भी नहीं पता। हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे फिट, मतलब फिट, जो फिटनेस को प्रमोट कर भी वो सुष्मिता सेन को आया हार्ट अटैक। लोग कह रहे हैं इतनी योगा करती, इतना कुछ करती, इसको कैसे आ गया? तो इंसिडेंट कभी भी किसी के साथ हो सकता है, तो हमारे प्राइस में भी करेक्शन कभी भी आ सकती है। मान लो आज हम सब मिलके डिसीजन ले लें कि भाई हमने सेल करना है, तो करेक्शन आ जाएगी, लेकिन आप डिसीजन ले रहे हैं तो बाय करने का भी तो डिसीजन पब्लिक लेगी ना जी। ये एक एफिलिएशन प्रोग्राम है जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि एंडिंग हो गई है और लोगों ने जुड़ना बंद कर दिया है, या लोगों ने मीथर को या एमकॉइन को प्रमोट करना बंद कर दिया है। अगर प्राइस नीचे आता है तो प्राइस कभी ऊपर नहीं आएगा। प्राइस जब नीचे आना होता है ना, पहले 2 साल में आ जाता है, पता जी। अब हम किस साल में चल रहे हैं? तीसरे साल में चल रहे हैं, तो प्राइस नहीं लगता मुझे कभी नीचे आए, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, उसको क्लैरिटी देनी लगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मुझे आज लगता है जनवरी मंथ में मेरे पास डाटा आया कि 1 करोड़ कॉइन लोगों ने विड्रो की, इतने 1 करोड़ कॉइन। अब वो 1 करोड़ कॉइन एडजस्ट भी हुए, बिके भी, किसी ने पैकेज में भी लगाया कि कोई अपने वॉलेट में भी होल्ड कर रहा है, लेकिन क्या मार्केट में कोई इंपैक्ट आया? नो, कुछ भी नहीं। मार्केट फिर भी बढ़िया चल रही है, ठीक है। आज $2 का रेट चल रहा है, आप सोचो कि हम सब मिलके इसको $2.5 कर दे तो पॉसिबल है, आप सब मिलके सोचो कि इसको $1.5 कर दे तो पॉसिबल। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता।
आज मुझे लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं अगर मैं अकेला, मैं स्पार्टन्स की क्यों हेल्प लेता हूं, मैं अकेला $10,00,000 की बैंक डाल सकता हूं, लेकिन स्टेबल कौन रखेगा? आप सब स्पार्टन्स ही तो रखेंगे। मैं आज सेल ऑर्डर उठा सकता हूं, सारे प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन स्टेबल कब रहेगा? जब हम हर आदमी बाइंग करता रहे। भाई बिहेवियर भी तो चलना बहुत जरूरी है ना, आवाज आए, बाइंग एंड सेलिंग भी तो चलनी जरूरी है। इसीलिए आप स्पार्टन्स का रोल बहुत ज्यादा है, और स्पार्टन्स के आगे जो स्पार्टन्स है आपका भी रोल बहुत ज्यादा है। ये जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये कभी भी आपको नहीं दुखेगी, ये हमेशा आपको प्रॉफिट देगी। आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि जो आपने कंट्रीब्यूशन में किया वो पैसा आपने अपना गलत जगह डाल दिया। ये पैसा आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि तू बेवकूफ था कि तूने सिर्फ 10% अपनी इनकम का लगाया, 50% लगाया, 100% लगाना था, और लोगों से क्या सबसे पैसे लेके आपने एनकॉइन में डाल दिया। ये आपको ऐसा रियलाइज होगा जो आज लोगों को होता है। मेरे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1,00,000 कॉइन कन्वर्ट किए एम कैश के अंदर। सानव जी कहा है यार, उधर कहा है सानव जी? सानव जी के पास में गए, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, इनको 1,00,000 कॉइन मिले थे मात्र 6,50,000 रुपए में। 6,50,000 रुपए में इनको 1,00,000 कॉइन मिले थे। अब 1,00,000 कॉइन इन्होंने कन्वर्ट किए तो कितने डॉलर बने थे आपके? $25,000। अगर वो आज 1,00,000 कॉइन, आज एक साल हो गया उसको, डेढ़ साल हो गया, अगर वो 1,00,000 कॉइन अवेलेबल बैलेंस, स्टेकिंग नहीं, अवेलेबल बैलेंस, कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। अगर डेढ़ साल पहले इन्होंने उस डिसीजन को जल्दबाजी में आके, नितिन तिवारी जी इनके खास मित्र हैं, ठीक है, उनसे ये नाराज हुए, कहते मुझे भी बेचना है। मगर भाई बेच लो, मैंने इनको समझाया चाय पीते हुए, इन्होंने चाय पीने, मगर सर अभी ना बेचो, नहीं मुझे बेचना है ताई जी, मगर बेचना तो फिर बेचो, फिर कौन रोक सकता है। तो इन्होंने $25,000 उसकी कन्वर्ट की 1,00,000 कॉइन के। आज अगर वो 1,00,000 कॉइन नहीं बिके होते तो आज कितना पैसा रहता है भाई? $2,00,000 ही होगा। $2,00,000 आज इनके पास था, मतलब 1,80,00,000 रुपए आज इनके पास हो। और अगर वो 1,00,000 कॉइन ट्रेड बिट के ऊपर डाला होता तो डेली कितना पैसा आ रहा होता? 55 कॉइन डेली आ रहा होता। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रेड बिट के ऊपर कॉइन डाला हुआ है, अब वो डेली अर्निंग कर रहे हैं, मीथर से तो आई नहीं है, अब ट्रेड बिट की स्टेकिंग से भी इनकम आ रही है। बिल्कुल, इनकम पे इनकम बन गई, ठीक है ना। तो आप अगर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, अपने प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, देखिए फियर आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, बुरे से बुरा आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है बताओ ना। यहां पर कोई 10 करोड़ से शुरुआत थोड़ी कर रहा है, $30,000 की सबकी शुरुआत है, कोई $10,000 से आ जाता है, मतलब बड़ा पैकेज ले लेता है, कितने लोग है बड़ा पैकेज लेने वाले? आज अगर 20,00,000 लोग होंगे तो 20,00,000 में से 2,000 लोग होंगे बड़ा पैकेज लेने वाले, लेकिन 19,98,000 लोग तो छोटे पैकेज वाले ही, लेकिन उस 19,98,000 में से कम 20,000 लोग अपने पैकेज का कम से कम 1,00,000 गुना कमा चुके नहीं कमा चुके। yes. जगतार जी ने $27,000 का पैकेज लिया था, आज ये $27,00,000 से ज्यादा कमा चुके, कितनी बड़ी बात। बलजिंदर सिंह बरनाला जी अपनी टेस्टिमोनियल में बोलते हैं मेरे पास $30 भी नहीं थे, आज इनकी इनकम $2,000,000 से ज्यादा, ठीक है, $20,00,000 से ज्यादा, ठीक है। इकलव्य जी जब कंपनी में आए तो वाया वाया किसी के थ्रू आए, ठीक है। अब वो जो बीच में इनके स्पॉन्सर थे वो भाई साहब चले गए, इनको बोल गए इकलव्य जी ये प्रोजेक्ट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, मुझे लंबा चलना, मैं कहीं और जा रहा हूं। अब वो बेचारा चलने के काबिल भी नहीं रहा, और इधर इकलव्य जी पैसे पे पैसा छाप रहे, ठीक है ना। तो कई बार जो आपका फियर है, जो फियर है ही नहीं, वो कई बार आप अपने घर में, अपने दिमाग में घर बिठा लेते हैं उसको, कि ये अगर मेरे साथ हो गया तो बड़ा बुरा होगा। सर कुछ बुरा आपके साथ होगा ही नहीं। आप मुझे बताइए, क्या आज हमें इस तरह के इवेंट करने की जरूरत है? नहीं। no. लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नीचे के लोग आ रहे हैं वो राइज करें हमारी तरफ, ठीक है। आज मैं बढ़िया इनकम कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है रातों को मैं आपके साथ जाग रहा हूं, आपके फालतू की बातें भी सुन रहा हूं, कोई उल्टा सवाल पूछ रहा है, कोई सीधा सवाल पूछ रहा है, उसको भी मैं आंसर कर रहा हूं, उसको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब क्यों हो रहा है?
क्योंकि मैं मीथर के साथ अटैच्ड हूं, ठीक है, एमकॉइन के साथ अटैच्ड हूं, और ये पैसे के लिए नहीं, ठीक है, ये दिल का कनेक्शन बन गया। तो आज अगर पैसा आए या ना आए फिर भी मीथर में काम करेंगे, लेकिन मीथर ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा ना आए, ठीक है। ये हो सकता है कि आदमी काम ना करे, पैसा आना रुक नहीं सकता, पैसा तो आ ही रहा है। हमारे बीच में कुछ बाकी लोग भी हैं जो मीथर के नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा ही है कि जैसे आपने बीवी को डाइवोर्स दे दिया और फिर भी खर्चा देना पड़ रहा हो, ठीक है, तो वैसा ही मीथर में चल रहा है। भले ही आदमी बाकी है लेकिन इनकम फिर भी जा रही है उसके पास, तो इतना खूबसूरत सिस्टम आपको मिलेगा भी? कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जबकि कंपनी डिसीजन ले सकती उसके अगेंस्ट, उसको अलर्ट भेजती है, अलर्ट भेजने के बाद अगर वो नहीं मानता, कोई सीरियसली एक्टिविटी करता है, तब उसके अगेंस्ट एक्शन होता है, वरना आज तक किसी के साथ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, देखिए हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे से ज्यादा एक्सपर्टीज आप लोगों के अंदर है, मेरे से ज्यादा कैपेबिलिटीज आप लोगों के अंदर है, मेरे से खूबसूरत भी आप दिखते हैं, मेरे से जवान भी हैं, ठीक है, मेरे से ज्यादा मेहनत भी कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा आपका शायद जान पहचान भी हूं, ठीक है, और आप मेरे से ज्यादा अच्छे वक्त में आए। जब मैंने काम स्टार्ट किया तब अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में इतनी पॉजिटिविटी नहीं थी मीथर की, आज पॉजिटिविटी भी ज्यादा है, एमकॉइन की भी पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो जो सक्सेस मैंने 3 साल में ली है वो आप नेक्स्ट 6 मंथ 1 साल में टच कर सकते हैं, सभी के सभी कर सकते। सर मैं आपको बताऊं, मुझे ना हंसी आई जब मैं लीजू थॉमस सर के साथ घूम रहा था, मैंने ना उनकी इनकम पूछी, मैंने आपने टोटल कितना कमाया है, मैंने भी बाकी, तो उन्होंने मुझे बोला मैंने एसीएन से कमाया $15 मिलियन। कितना? $15 मिलियन। तो मैं अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहा था, मैं यार इस आदमी ने तो कुछ कमाया नहीं, ठीक है। फिर मैंने अहमद मुख्तार का पूछा, तो अहमद मुख्तार ने कमाया $25 मिलियन, ठीक है। फिर असद ने इनसे थोड़ा कम कमाया था, लीजू थॉमस से, तो मैं यही कैलकुलेट कर रहा था। तो जब वो मेरे साथ चल रहे थे ना, तो मैंने उनको एग्जांपल दिया, मैं कहा सर आपको पता है मेरी इस महीने की इनकम कितनी है, मैं कहा $5 लाख। तो अब होता क्या है, उनकी कंपनी में उनको मिलते हैं सिर्फ £10,000। कितने मिलते हैं? $10,000। वो नेक्स्ट राइज से सैलरी लेते हैं तीनों डायरेक्टर £10,000 के। अब वो £10,000 में ही अपना लाइफ स्टाइल चला रहे हैं, या जो उनकी पुरानी इनकम उन्होंने करके रखी हुई उससे अपना लाइफ स्टाइल चला रहे, मतलब कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है। लेकिन जब वो लोग मीथर में आए और मीथर में लोगों की अर्निंग देखी, तो वो लोग हैरान थे कि यार एक एक आदमी, मतलब हम तो इतना वॉल्यूम करवा रहे हैं एक एक लीडर से, अभी जब हम मिले हैं उनकी टीम से, तो उनकी टीम में टोटल एक आदमी ने मुझे लगता है $2.5 लाख कमाए या $5 लाख का, है ना, इटली का कोई पर्सन था ना, $5 लाख उसने टोटल कमाया। हमारे यहां पर महीने का $5 लाख भी छापने वाले। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि जो कंपनी के सीईओ है ना, वो भी सोचने पे मजबूर हो गए कि इतना पैसा लोग कैसे बना रहे, और ये पॉसिबल है क्योंकि हम लोग यहां पर ले रहे हैं, ये नहीं सपना है। जब मैंने जायसवाल जी का भी कल एग्जांपल दिया, जब ये 100 करोड़ की बात करते थे ना, तो किसी को भी हंसी आ जाएगी, लेकिन मैं बड़ा पॉजिटिव रहता हूं, मैं कभी नेगेटिव नहीं होता, मैं बड़ा पॉजिटिव रहता हूं कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भाई साहब बैठे हैं किम बासा जी, ये सिर्फ 1 करोड़ कमाने हैं इस कंपनी में, मुझे बोलते थे ताहिर भाई 1 करोड़ पे आ गए ना, 1 या 2 करोड़ बहुत बड़ी बात है, बस बहुत बड़ी बात है। अब एक दिन में इनके साथ बैठा हुआ था, 1.5 साल पहली बात है, मैं कहा भाई साहब आप अपना अकाउंट मुझे बेचते हैं $2.5 लाख में, $3 लाख में, मैं भी ट्रांसफर करता हूं। जो शख्स 2 करोड़ रुपए कमाने आया है, वो उससे ज्यादा कमा चुका है, उनके आईडी लेने की मैं बात कर रहा हूं कि मुझे आप अपना अकाउंट दे दो। मैंने इनसे ऐसे ही पूछा, आप कितना कमा सकते हो? क्या मैं इतना कमा लूंगा, भले इन्होंने फिगर कम बताई, मैं कह ऐसा है आप मुझे अपना आईडी ट्रांसफर कर दो मेरे नाम पे, मैं आपको अभी $2.5 लाख दे। तो फिर ये सोचने पे मजबूर हुए, एक बार तो तैयार हुए, मैं कहा देख लो मुकर मत जाना, फिर ये बोलते मैं नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, ऐसे ही था। फिर ये मुकर गए कि मुझे नहीं देना, फिर इनको समझ में आया कि यार मैं अपनी ही चीज को अंडर वैल्यू समझ रहा हूं। जब तक आपको कोई रियलाइज ना कराए, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी चीज आपकी वैल्यूबल है।
आप अपनी चीज को अंडर वैल्यू समझते हैं, होता ना ऐसा जी। बहुत सारी चीजों में आप देखते होंगे जब तक दूसरा आदमी आपको रियलाइज नहीं कराता आपको पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, देखिए आपका टी ब्रेक भी जा चुका है तो ढाई बज चुके हैं, हम लंच करते हैं। सर कितना टाइम देना है? नहीं, एक घंटा तो लगेगा, पब्लिक ज्यादा है। तो ऐसा है, एक घंटा हम देते हैं आपको, 3:30 बजे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ये तो आपसे सिर्फ गुफ्तगू हुई है, अभी बात होनी बाकी, ठीक है?